काशीराम पटवारी से दयाशंकर पांडे ने जो कर्जा उधार लिया था वो वक्त पर ना लौटाने के कारण अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उसकी 3 एकड़ जमीन, घर और 500 आम के पेड़ नीलाम किए जाएं। देखा, नीलामी तो होनी ही थी। अरे पैसे उड़ाकर बहुत रईसी दिखा रहा था वो। नहीं नहीं, बेचारा बहनों की शादियां रचाकर बर्बाद हुआ है। यही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। बारातियों के लिए शहर से गाड़ियां मंगवाई, बैंड बाजे मंगवाए, सारे गांव को खिलाया पिलाया। क्या पागल कुत्ते ने काटा था? बिना ठाट बाट के लड़के वाले राजी होंगे क्या? अरे लड़के वालों को मनाना चाहिए था। सोने जैसे आम पकते थे बगीचे में। घर बार सब गया ना हाथ से? नहीं नहीं, दयाशंकर ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खाई है। कोर्ट के इतने चक्कर काट चुका है कि कानून को घोल के पी चुका है। सेठ जी के आगे उसकी कुछ नहीं चलेगी। लो दयाशंकर आ गया। अरे अरे उतरने दो यार। अरे मेरा छाता, इतनी छोटी बस में इतने सारे लोगों को भरते हो, केस कर दूंगा तुम लोगों पर। सुनो जरा जोर जोर से रोना। चलो माँ। अरे क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? नामदेव साथ नहीं आए? बाहर बैठे हैं, बहुत नाराज है भैया से। जिस तरह से गांव के लोग हम पर हंस रहे हैं, मैं किस मुंह से वापस जाऊं ससुराल? वैसे भी मेरे नंदे 15 तोला सोना दिया इस बात को लेकर ताने मारते रहते हैं। रो मत बेटी, बाहर लोग काम कर रहे हैं। अब बाकी क्या रह गया है माँ, गांव में तो ढिंढोरा पिट गया है। अरे जीजा जी, कुसुम दीदी भी आई होगी ना? भीतर है। अच्छा, अरे हाँ, आप कैसे हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या पता। आप कैसे हैं? कुसुम दीदी तुम्हें पता है आज मैं जब सुबह टाइपिंग क्लास से आ रही थी ना, तब बिल्ली ने रास्ता काटा था और तभी मुझे लगा कि आज जीजा जी जरूर घर आएंगे। चुप जा, डेयरी से दूध लेकर आ, तेरे जीजा जी के लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ, जीजू तो पूरे दूध की चाय ही पीते हैं ना। जा तू। केतली भर के लाऊंगी। 3 साल हो गए शादी को, अभी तक एक अलमारी भी अपने ससुराल नहीं ले गई। मैं अपने नंदों से आंखें भी नहीं मिला सकती। अब दया ने बात तो की है किसी मिस्त्री से? पिछली 2 दिवालियों से सुनते आ रही हूँ। मेरी नंदे कहती है अलमारी की चाबी रखने का इतना ही शौक है तो अपने भैया से कहो एक अलमारी ला दे। अब तुम्हारा भैया कहाँ से ला कर देगा कुसुम? चारू की शादी के लिए उसने बगीचा गिरवी रख दिया, तुम्हारी शादी के लिए ये घर। अदालतों के चक्कर काट कर कर बेचारे की चप्पलें घिस गई हैं। पारो, मेरी बात सुन। मुझे जाने दे, घर में मेहमान आए हैं। सुन तो, कल की मैटनी शो की 2 टिकट लाया हूँ, अंग्रेजी पिक्चर है। और सुने, साड़ी बाड़ी पहन के आना, नहीं तो डोर के ऊपर छोटी समझ के अंदर नहीं लेगा। क्या बता रहा था मेरी बहन को? बचाओ, ये ललन भागता कहाँ है? ए दयाशंकर,
जा तेरी बहन से प्यार करता हूँ, केस करना है कर ले ले। अरे ये भागता है। ए बारो, ए बारो, बारो। अरे नामदेव तुम कब आए? कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम ये लकड़ी लेके क्या कर रहे हो? बस यूं ही। तुम बैठो, मैं अभी आया। हाँ बैठो। बारो, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। क्या कर रही थी तू वहाँ? अरे क्या हुआ दया, क्या बात है? माँ एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से लड़की। धीरे, बाहर नामदेव बैठा है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ क्यों आया वो। तुम उस लोफर के साथ क्या चटर बटर कर रही थी? मैं नहीं, वो तो खुद सामने से आ गया था। झूठी बत्ती सी दिखा रही थी उसे। देखो, दो बहनों की शादी रचा कर मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम्हें जिससे शादी करनी है शादी कर लो, लेकिन भगवान के लिए भाग कर शादी करना। मैं गाँव के गाय कुत्तों को बिस्किट और चारा खिला सकता हूँ, लेकिन ससुराल वालों की इज्जत रखने के लिए इन गाँव वालों को खाना नहीं खिला सकता मैं। आहिस्ता बोलो, नामदेव सुन लेगा तो बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम्हारी दूसरी बहन बैठी है बाहर मुंह फुलाकर। बगीचे की नीलामी से ज्यादा दुख उसे इस बात का है कि उसकी अलमारी अभी तक उसके ससुराल नहीं पहुंची। आज पता चला कि पति और पत्नी के रिश्ते में अलमारी का क्या स्थान है। कुसुम अलमारी में तुम्हें लाकर। मुझे अलमारी नहीं चाहिए। अलमारी के आने से मेरा खोया हुआ स्वाभिमान तो वापस नहीं आने वाला। और इतना कर्जा लेने से पहले तुमने ये तो सोच लिया होता कि कर्जा कैसे चुका पाओगे। कर्जा सोच समझ कर लिया था मैंने। सोचा था आम एक्सपोर्ट करके उससे जो पैसे आएंगे, लेकिन वो दलाल साला पैसे लेके भाग गया। तुम्हें याद भी है कुसुम कि मेरी उम्र क्या थी जब पिताजी गुजरे थे, फिर भी तुम लोगों की शादी मैंने धूमधाम से की। पिताजी की कमी महसूस नहीं होनी दी तुम लोगों को। कभी सोचा कैसे और कहां से आए पैसे? कभी सोचा मेरी खुशियों के बारे में? तुम लोगों की खुशियों की वजह से मैंने सपने देखने ही बंद कर दिए। वो सब मुझे पता है। अब ये बताओ कि शहर के घर के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, कुछ तय नहीं किया। मैं ये चाहती हूँ कि शहर का मकान मेरे नाम कर दो, वरना पारो की शादी में उसे भी गिरवी रखो। कुसुम, नामदेव घर जाने के लिए बुला रहा है। माँ, बगीचे की नीलामी के बाद अदालत फौरन घर का फैसला सुनाएगी, लेकिन इसमें सेठी की कोई गलती नहीं, कोई चाल नहीं है। हम उनके पैसे नहीं लौटा सके तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो क्या देख रहे है? तो अंदर जा, पढ़ाई कर, जा। माँ, अगर तू राजी है तो हम इस कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं, चैन से जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शहर का मकान बेचना पड़ेगा। दया, क्या ये जरूरी है? हम कुछ दिनों के लिए बगीचे की नीलामी रुकवा नहीं सकते? ज्यादा से ज्यादा एक महीना, उसके बाद क्या? और फिर शहर के मकान से किराया भी कितना मिलता है माँ? हर महीने 80 रुपया। वही तो मैं कह रहा हूँ माँ, शहर का मकान बेचने से हमारी इज्जत भी बच जाएगी। यही बात मैंने सेठी से भी कही थी। अगर हम शहर का मकान उनके नाम कर देते तो हमारे सारे कर्जे मिट जाते और हमारे पास 50,000 रुपये भी आते। उससे मैं कोई नया धंधा वंदा भी शुरू कर सकता हूँ माँ। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, किसी भी कीमत पर अपने घर और बगीचे को बचा लो। सेठ जी, मैं ऑफिस से मिलने आ रहा था। कहिए दयाशंकर जी, तसल्ली हो गई? सारे गांव के सामने मुझे खलनायक की उपाधि दिलाकर आपको तसल्ली हो गई? और आपको तसल्ली हुई सारे गांव के सामने मेरे नाम का ढिंडोरा पीटकर? तो और क्या करता मैं? देखिए, आप मेरी नीयत जानते हैं। आपको पता है मैं कुछ ही दिनों में आपका कर्जा चुका ही देता। कर्ज चुका दूंगा, कर्ज चुका दूंगा कहने से कर्ज नहीं चुक जाता, तब तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे होता। डॉलर का दाम इतना नहीं होता। तुम तो जानते हो सारे पैसे मेरे साले साहब के हैं, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? देखिए सेठ जी, एक रास्ता है, शहर का जो मेरा मकान। अब रहन दो, तुम कई बार बोल चुके हो, मैं सुन भी चुका हूँ। नहीं नहीं, लेकिन उस वक्त माँ जी राजी नहीं थी। तो अब क्या माँ राजी हो गई? हाँ, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है ना? मतलब
वो मकान तुम मेरे नाम से करने के लिए राजी हो? करना ही पड़ेगा। आरटीओ में रहकर पिताजी ने खून पसीना एक करके वो घर बनाया था। आरटीओ ना, वहाँ के लोग तो खून पसीना एक करके ही कमाते हैं ना। फिलहाल आप आम के बगीचे के नीलामी पर स्टे ऑर्डर लाइए। देखो, मैं आम के बगीचे पे स्टे ऑर्डर ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। पहले तुम वो मकान में किराएदार है ना, उन्हें खाली कराओ। तुम मकान खाली करवाने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे वो बगीचे के स्टे ऑर्डर का इंतजाम करवाता हूँ। लेकिन एक बात पक्की, जहाँ तुमने मकान के कागजात मेरे नाम से किए, समझ लो उसी दिन तुम अपने सारे कर्ज से मुक्त हो गए। जी समझिए, काम हो गया। दो दिन पहले मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, अब कल परसों मैं शहर पर्सनल चला जाऊंगा। ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले। लेकिन अगर इस काम में देर हुई तो फिर मुझे दोष मत देना। हाँ, टिफिन की रोटियां खा रहा है, रुक जा। छोटू, हे देवा, अब तो तुम ही हम बेसहारों का सहारा हो। जब से उनका देहांत हुआ है, जीवन की गाड़ी धक्की मार मार कर चला रही हूं। गणेशा, मेरी सबसे बड़ी बेटी सरस्वती आप ही की बेटी है, उसे नौकरी में प्रमोशन दिलवाना। उससे छोटी बेटी ज्योति, उसे इम्तिहान में पास कराना। और सबसे छोटा छोटू, उसे मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। भगवान से कहो तुम्हारे इस डॉक्टर को शरीर के साथ साथ थोड़ी अक्ल भी दे, वरना गणपति के साथ अगले साल इसको भी डुबो देंगे। रख दे, अब तक पूजा खत्म नहीं हुई, खाने चला। अखा दिन खा खा खा। लो, आ गई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। एग्जाम सर पर है, पढ़ने के बजाय दौड़ने जाती है। मैडम ने कहा है रोज सुबह एक घंटा दौड़ने जाया करो। क्यों, आपको नहीं पता? ऐसा करने से ही उषा दीदी में ताकत आई है। अभी उषा दीदी कौन? अरे, आप उषा दीदी को नहीं जानती? उषा दीदी यानी कि पीटी उषा। मेरी मैडम कहती है कि मैं सिर्फ गिरने में गोरी हूँ, वरना बिल्कुल उषा दीदी की तरह। अच्छा, कॉलेज के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना कल से ये दौड़ना वरना बंद। अच्छा, मैं चलती हूँ। उफ़ो, आई, तुम्हारा डॉक्टर सिर्फ टिफिन लेकर स्कूल जा रहा है। ए छोटू, सिर्फ टिफिन ही लेके जाएगा? स्कूल बैग कौन लेके जाएगा? कम ऑन छोटू, आज बस स्टॉप दौड़ते हुए जाते हैं। आज भी 8:30 की बस निकल गई होगी। ये 8:30 की बस निकल गई क्या? आधे घंटे से कोई बस नहीं आई। पुल गिर गया होगा। कौन सा, अम्बोली वाला? नहीं नहीं, जिसका उद्घाटन कल हुआ। आप पेपर नहीं पढ़ती क्या? आज बस की हड़ताल है। बस की हड़ताल हो गई क्यों? पेट्रोल के दाम तो बढ़े नहीं? शायद इसीलिए हड़ताल हुई हो। क्या बोलना है यार, इन लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। ऑटो हीरा नंदानी, वो रोड पे नहीं जाएगा। उस रूट पे नहीं जाओगे तो बाहर रूट का बोर्ड क्यों नहीं लगाते सिटी बस की तरह? जाने का है तो 100 रुपया होगा। मीटर के हिसाब से पैसा दूंगी। मीटर बिगड़ा हुआ है, जाने का है तो 100 रुपया होगा। लूटना है तो बंदूक लेकर बैंक क्यों नहीं लूटते? रिक्शा क्यों चलाते हो? सर, तुम्हारे पास घड़ी है या किसी भूकंप पीड़ित को चंदे में दान दे दी? I'm sorry, sir. आज बस की हड़ताल है सर। अरे, तुम तो हवाई जहाज की हड़ताल होती है तब भी लेट आती हो। मैं पूछता हूँ, ये हड़ताल क्या सिर्फ तुम्हारे लिए होती है? बाकी लोग कैसे वक्त पे आ गए? सर, आपसे क्या छुपाना, वो ऑटो रिक्शा वाला सीधा 100 रुपए मांग रहा था। तुम्हारे पास हर बात का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। आइंदा लेट आई तो मैं ऑफिस से निकाल दूंगा। फिर घर बैठे बैठे किताब लिखना, ऑफिस लेट आने के 1,00,000 बहाने। थैंक यू सर। जयश्री, तू टाइम पे कैसे पहुंचे? तू तो कभी टैक्सी या रिक्शा नहीं लेती। मैंने एक स्कूटर वाले को मोटी सी स्माइल दे दी। फिर क्या, तुरंत उसने स्कूटर को ब्रेक लगाया, मैं उसके पीछे बैठकर यहाँ आ पहुंची। उसने तेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की? उसने पूछा शाम को मिलोगी, मैंने कहा कलेक्टर के ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार करना। तू उसे शाम को मिल रही है? अरे नहीं, उसके पैर टूटने दो, हमें क्या। वाह, एक तो पहले लेट आती हो, ऊपर से गप्पे मारती हो। काम करो काम करो, अपना काम करो।
अच्छा हुआ सरस्वती आ गई, अब तू ही तेरी आई को समझा। क्या हुआ तातिया बहु, कैसा लाई? मकान मालिक की चिट्ठी आई है कि घर खाली कर दो। लिखने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, लिख सकता है कि मुंबई छोड़ के जाओ। नहीं आई, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दें? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे कैसे छोड़ जाओ, भाड़ा तो तुम टाइम पे देते हो ना। हाँ, शहर में नया घर लेना मजाक है क्या? ए तो गप्पा भाई, तात्या भाव के होते हुए घर खाली करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या नाम बताया उसका, गौरी शंकर बोरी बंदर, दया शंकर मनोरी लाल पांडे। हाँ वोइच, उसे सामने से चिट्ठी लेकर भेज दो, लिखो कि तुम्हारे पड़ोस में मर्द रहते हैं मर्द। पांडे निवास कहाँ है? पांडे निवास, पांडे निवास यहाँ से सीधे जाइए, सीधे जाके राइट जाइए। किसका मकान है? मेरा अपना मकान है। कमाल है, खुद का घर भी नहीं मालूम। जास्ती टाइम तो नहीं लगेगा ना? आता हूँ। साबुन बेचने आए हो क्या? जी नहीं, लेकिन साबुन की फैक्ट्री खोलने का इरादा जरूर है। श्रीमती पार्वती देवी जी है क्या? बाबा का पेंशन देने आए हो क्या? नहीं, टेंशन देने आया हूँ। बेटे हो, जरा माँ जी को बुलाओ। बेटे पहले बोलो तुम कौन हो? तुम और जरा माँ जी को बुलाओ। बेटे बताओ तुम कौन हो? अरे माँ जी नमस्ते। ए, ए, अंदर किधर घुसता है? जा माँ जी को बोल मकान मालिक आया। जा जा। आई आई घर। आई, जाकर साफ साफ कह दो ना उसे, फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कहूँ, वो अपना मकान मालिक है ना। तो क्या हुआ, मकान मालिक है, मुंबई का मालिक तो नहीं है ना। जाओ उसे जाकर बोल दो। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, तू ही जाकर क्यों नहीं बोलती? आई तुम बड़ी हो, वो तुम्हारी सुनेगा, जाओ। हाँ 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 हाँ। लेकिन जाके बोलू क्या? बोलना, फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। मैं जाके कह दूँ क्या? तू चुप कर छोटू, आई तुम जाओ। हाँ हाँ जाओ ना। नमस्ते माँ जी। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? मैं मकान मालिक दया शंकर मनोरीलाल पांडे। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। अरे क्यों, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मकान मालिक के सामने ऐसे बातें करने की? आप जानते हैं ना, पिछले 20 साल से आप सिर्फ 80 रुपया भाड़ा देते आए, जिसमें मेरा बनियान नहीं खरीदा जा सकता, और आप है कि मेरे मुंह पर ही कुछ भी। मुंह पर नहीं तो क्या चिट्ठी लेकर कहते? आज तक पाइपलाइन रिपेयर करने, पानी की टंकी बदलने, छत से पानी गिरता है, वो सब बाप बोलने दे। सरू, वो सब 500 चिट्ठियां लिखकर ही आपको बताई थी, आपने कभी जवाब दिया? आप अगर मकान मालिक हैं तब तो कहां सो रहे थे? अच्छा, तो और लोग भी हैं इस घर में। देखिए, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, कोई आदमी है इस घर में? आपके पिताजी। क्या? आपके पिताजी ने जबान दी थी कि हमें ये घर कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो जबान वापस ले लेता हूँ। आप निकलिए यहाँ से, अभी निकलिए। हम नहीं निकलेंगे, हमारी बात आपके पिताजी से हुई थी। और आपके पास क्या सबूत है आप मकान के मालिक हैं? अच्छा, तो आप दया शंकर मनोलीलाल पांडे को कानून सिखाएगी? ये भाई साहब, रुको, देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आने वाला हूँ, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर को खाली कर दीजिए आप लोग। हम ये घर तभी खाली करेंगे जब हमें ऐसा ही कोई दूसरा मकान मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा था मेरी चिट्ठी मिलते ही आप लोग घर खाली करके चले जाएंगे, लेकिन दरवाजे पर इस बटाटे की बोरी को देखते ही मैं समझ गया था। देखिए, दया शंकर अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बदमाशों के लिए बहुत बुरा है। हे, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और ताला लगा दूंगा। दरवाजे पे ताला लगाने वाला तू कौन है बे?
बाहर रिक्शा वाला तुम्हें चिल्ला रहे क्या? तुम लोग कब निकलने वाले हो, आज या कल मुझे बताओ। अरे यही मकान मालिक है, क्या नाम है इसका? शिव शंकर बोरी बंदर। दया शंकर मनोरीलाल पांडे, अब ये कौन है आपके भाई? देखिए मैं सब गरीबों का भाई हूँ, किराया बढ़ाने का ये नया तरीका है। हाँ ये जिस घर में कोई आदमी नहीं है उस घर की औरतों को तुम धमका रहे हो? तुम कौन हो? ये मेरा घर है, मैं और मेरे घर वाले यहाँ रहने के लिए आने वाले आप वो लोग तो हम घर खाली करेंगे तब ना। अरे कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की ना तो पुलिस वाले इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ कुछ नहीं, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के मुताबिक अगर मकान मालिक अपने घर में रहना चाहे तो किराएदार को घर फौरन खाली कर देना चाहिए। पाप का घर है आप लोग, अदालत जाकर हम भी कहेंगे 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, इस गलतफहमी में मत रहना कि लैंड ट्रिब्यूनल में जाकर आप लोग इस केस को बढ़ा सकते हैं। अगर घर की कीमत 750 रुपए से ज्यादा है तो दुनिया की कोई भी ताकत किराएदार को राइट ऑफ ओनरशिप नहीं दिला सकती। इसलिए कहता हूँ इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से जल्दी घर खाली कर दो। ओ साहेब चला, कितना टाइम लगेगा? अरे बहुत टाइम लगेगा, शादी में जाना है क्या? जाओ। अरे देखो आखिरी बार कह रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे मेरी असलियत दिखाने पर मजबूर मत करो। अरे तो फिर हमारा भी फैसला सुन लो, पार्वती बहन और उनके बच्चे इसी घर में रहेंगे। तुम जैसे बेवकूफ पड़ोसियों की वजह से इन लोगों को तकलीफ होगी, देखना तुम। जबान संभाल के बात करना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा, देखना तुम। हाँ देख लेना। और मुझे मत पार्टी में बसना। हाँ बैठता हूँ चलो, वैसे भी तुम्हारे गोद में बैठने का शौक नहीं है मुझे, चलो। भाई साहब वो बबन गोले वाला कहाँ मिलेगा? बबन गोले वाला वो उधर कोर्ट के बाहर। वो कोर्ट के बाहर? हाँ उधर ही। अच्छा चलो चलो। बोलो साहब क्या लोगे? गोला, शरबत, लेमन, सोडा, जिंजर। अरे दया शंकर, अरे कैसा बंद कराई मतलब शिव संपली 60 रुपए दे। अरे बबन 60 रुपया है क्या? क्यों क्या हुआ? अरे छुट्टे नहीं है तो ला, मैं देता हूँ ला ला। अरे पैसे नहीं है यार। ओ भाऊ यार ले ले। शुक्रिया, चलो चलो। अरे बाबा धन्यवाद। अरे यार सुबह से इतना ही धंधा हुआ था। क्यों तेरा बिजनेस चौपट हो गया क्या? बिजनेस ये बिजनेस है ठेला ही अभी लेकिन गांव में तो तेरे भाई साहब समझते हैं कि वो मैंने ही लिखा था, नहीं तो और क्या लिखता? कितनी उम्मीदें लेकर मुझे गांव से यहाँ भेजा था। और तेरा घर? ये ठेला ही अभी मेरा घर है। हाँ तो रहता कहाँ? ऋतिक रोशन के बाजू में। कहाँ, क्या बात कर रहा था? अरे वहां पड़ा रहता हूँ, वहां कोने में। वो उधर? हाँ। और मैं तेरे भरोसे आया, बम्बई आया, अब कहाँ रहूंगा? तेरी बहन और जीजा जी के पास जाना। नहीं नहीं वहां नहीं जा सकता। क्यों? अरे बहन के घर का कोई पानी भी पीता है क्या? अरे बाबा तुझे जिस घर का पानी पीना है पी ले, लेकिन अभी कल्टी खा ले, मेरा सेठ आने का टाइम हो गया। आ गया यार, कल्टी खा ले जाना यार। वो कुत्ता तेरा मालिक? बड़ा कुत्ता, साले के पास बहुत पैसे, तू निकल जा। कौन है ये? क्या मटर मटर चालू, कब से मैं देख रहा हूँ वहाँ से। ये दया शंकर अपना कस्टमर है। कस्टमर? कस्टमर शरबत पिया? नहीं आज उपवास है। उपवास है तो इधर बकवास का कोई इंक्वायरी काउंटर है क्या? चल निकल। ये चले चल, फुट ले चल फुट। क्या देखता क्या है? कुर्ता क्या रे साले है? कस्टमर से बातचीत करता रहेगा तो धंधा क्या? रात को 12 बजे करेगा। चल निकल। ये क्या, अभी तक सिर्फ 60 रुपए का धंधा? आज धंधा मंदा है ना भाऊ, क्या है कि 30 ही ग्लास शरबत बिक गए। अच्छा है? ये नींबू तो 100 के ऊपर निचड़ हुए लगते हैं मेरे को। वो रस नहीं है ना नींबू में, 1 गिलास के लिए 2-2 निचोड़ने पड़ते हैं। हाँ, और ज्यादा मीठा भी नहीं लगता होगा, इसके लिए पूरा खत्म हो गया। कितनी बार बुलाए मैं तेरे को? शरबत में पानी नहीं, पानी में शरबत मिलाने का, समझा? ये साला गांव से मेरा दीवाला फूंकने के लिए आया यहाँ पर। तो क्या मैं लोगों को पकड़ पकड़ के नींबू शरबत पिलाऊं? अरे सामने जवाब देता है मेरे को? नहीं सुनो, सामने जवाब देता है मेरे को। ले क्या? लाता हूँ, लाता हूँ। भाग। हाँ हाँ हाँ। अरे यार मेरे पास दे, मरवाएगा यार तू मुझे। शाबाश बोबो, देखा देखा साला, तेरे से तो एक कुत्ता ज्यादा वफादार है। सुधर जा वरना कुत्ते की मौत मरेगा, और शाम तक 500 रुपये का धंधा चाहिए मेरे को। उड़े ए बेबी,
चल लड़का देखने के बाद कॉलेज जाने का सीधा जाके। ठंडा नींबू पानी पिलाऊं आपको? साला इतना मार खाता है फिर भी यही टिका है, क्यों? ये मार नहीं इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। वो हरिभाव की बेबी देखा ना, वो 100 किलो। हाँ, वो एक बार मेरी बीवी हो जाए ना तो पूरी सल्तनत का मालिक अपुन बनेगा, बब्बन बब्बन, समझा ना? लेकिन वो जाने दे, तू ये बता यहाँ क्यों आया है? मेरे भाई ने मेरा ये हाल देखने के लिए तुझे यहाँ भेजा है? अरे नहीं रे, मेरा भी शहर में एक घर है, वो बेचने आया हूँ। तो बेच दे ना। अरे पिताजी ने किसी को किराए पर दिया था, वो लोग निकल ही नहीं रहे, लेकिन मैंने भी उनको ऐसा राख दिया आज कि 2-4 दिनों में निकल जाएंगे वो लोग। ए, ये बम्बई है बम्बई, यहाँ किराएदार को निकलना खाने का काम नहीं है। गर्मी से बात करेगा ना तो घर से हाथ धो बैठेगा। मेरी बात सुन, प्यार से उनको समझा ले, पटा ले और ये शरबत गटा ले। हाँ कल मैं आप लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आया ना, बहुत बुरा किया मैंने। माँ जी अब तक मुझसे नाराज है? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो मेरी माँ जैसी है, मैं उनके लिए पान लाया हूँ। मेरी माँ ने अब तक पान चबाना शुरू नहीं किया। कहाँ जा रही हो? क्यों, आपने अब तक हमारे खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल किया कि नहीं? मैं और आपके खिलाफ मुकदमा कैसे हो सकता, वो तो कल मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही। माँ जी भीतर है? क्यों, बस यूं उनसे बातचीत करनी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कल की बातें उनको जिंदगी भर याद रहेंगी। अब भी मुझसे नाराज है? मैं खुश कब थी? ये क्या हो रहा है? ताती देखिए ना, ये आदमी हमें परेशान करने फिर आ गया। मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप इसे समझाइए। ठीक है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं तातिया, मैं तो उनको खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा था, आपको सुनी है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। सरस्वती देवी भाई साहब, एक मिनट एक मिनट। अच्छा तुम यहाँ छुपी है? क्या बोला? मैं आपसे नहीं अपने किराएदार से बात कर रहा हूँ। ओ आप लोगों को घर देने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि पैर कुल्हाड़ी पे मारी है। मैं कोई खेत की मूली नहीं हूँ और ना ही ये दया शंकर, भगवान शंकर जितना दयालु है। देखिए बस स्टॉप है। तो मैंने कब कहा ये एयरपोर्ट है? ओ आपको इस बात की फिक्र है ना कि सब लोग सुन रहे हैं, तो सुनने दो, इसमें कोई तो मकान मालिक होगा जो इस बेघर मकान मालिक की बात समझ सके। हैं? हम में से कोई मकान मालिक होता तो बस की लाइन में क्यों खड़ा रहता? ओ कहाँ चली तुम? क्या पाउडर बिंदी लगाकर अपने आप को अफसर समझती हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ए मिस्टर, बीच सड़क पर लड़की-लड़की चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या, सिनेमा हॉल में जाके चिल्लाऊं या फिर तुम्हारे घर में? हैं? और फिर इतना ही हमदर्दी है तो अपना घर इसे क्यों नहीं दे देते? और क्या समझते अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज? लड़की से लगता है बात कर जा रहा है कंडक्टर। इस देश का कुछ नहीं होगा, कम्युनलिज्म आए कैपिटलिज्म आए, कुछ नहीं होगा इस देश का। और फिर ये बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट हम जैसे मकान मालिकों का नाश करने के लिए बना है। सरस्वती, सरस्वती। यस, क्या चाहिए आपको? मैं उस लड़की का मकान मालिक हूँ, मुझे इससे मिलना है। देखिए ये ऑफिस टाइम और ऑफिस टाइम में आप किसी से नहीं मिल सकते। मैं ऑफिस टाइम में ही सबको मिलता हूँ। वैसे भी कोर्ट ये जो मेरे जान के पीछे पड़ा है, ये मेरी आदत बन चुकी है। नाम सुनकर लगा था कोई 50 साल का बुढ़ा होगा। मैं नहीं मिल सकते। मैं कैसे नहीं मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे धूप में चलवाकर तुम यहाँ पंखे के हुआ? अरे वाह, ऐसे की हवा खा रही हो? मेरा घर तो खा लिया तुमने, अब मेरी सेहत भी बिगाड़ोगी क्या? आप बाहर निकलिए प्लीज। आप चुप रहिए, देखना घर खाली करवा देना वरना मैं। को धमकाता है, धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। कौन धक्का मारेगा मेरे को? देखो देखो, अरे बैग तो थे यार भाई साहब, बैग लाओ यार।
देवा, तुम तो जानते हो सच क्या है झूठ क्या है, पर हम भी क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी तुम जानते हो। कोई मजबूरी नहीं है, आज उसने ऑफिस में मेरी कितनी बेइज्जती की जानती हो, अब तो ये घर में कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम कुछ भी कहो सरस्वती, घर तो उसी का है ना। तो क्या हुआ, अपने बाबा को हम इस घर में अकेला छोड़ के चले जाए, हर किस नहीं। अबे मेरे पाँव पे बाबा को रखते रहे। सर रखो, सर पे पाँव रखता हूँ। हटो। ये क्या करता है भाई, उतरे क्या है का? अरे उतरना था तो चढ़ता काय को, हटो। वो घर क्या तुम्हें अपने खानदान के जायदाद में मिला था? मेरे पिताजी जब आरटीओ में थे, वो जो भी हो हम वो घर खाली नहीं करेंगे। तुम तो केस करने वाले थे ना, जाओ जाके केस करो। अरे मैं केस करूं या ना करूं, तुम कौन होती हो? कंडक्टर नौकर है क्या तुम्हारा? ए मिस्टर, ये बस है, कोनो कुश्ती का खाड़ा नहीं, समझे? चल चुप चुप। अरे काहे लड़िजुआ के तंग कर रहे हैं? अरे आगे नहीं जाए का है तो अगला बस स्टॉप उतर जाओ। ये बस क्या तुम्हारी बाप की है क्या? देखो हमारे बाप तक न पहुँचने तो ठीक है, उंगली मत उठाओ हमारे पर। बोलता हूँ मैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ए इंग्लिश मेरे को भी आती है। ए चुप, उतार कर नीचे, उतार नीचे। इतने आदमी सब मिलके एक आदमी को काम कर लो। अरे एक एक करके आओ, आ जाओ, गॉड आ जाओ। रामी ओनली, अरे अरे अरे, ये कैसे घुमा रहे हैं? गाँव का असली घी का खून है, तुम्हारे मुंबई का साला टमाटर सॉस का खून नहीं। क्या कर रहे बंधु? मैं दयाशंकर मनोरीलाल। क्यों बे साले, बीच सड़क पे मारपीट करता है? अरे मैं दयाशंकर बैठ, दयाशंकर मनोरीलाल जीप में बैठ। अरे अपन तो एक ही क्लास में थे, तू भूल? हाथ मत लगा, जीप में डालो साले को। चल रहे चल रहे, चल अंदर, बाहर निकालो, तुम जाओ। आओ। बीच सड़क पे मारपीट करने की सजा जानते हो? मेरा बचपन का दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, वह आज मुझे पहचानने से इनकार करता, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? पहचान? तुम पहचानने की हालत में थे, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो हाथ पैर तोड़कर मैं हाथ में दे देता। तो तोड़ दो ना, इतने सालों बाद मिले और सबके सामने तुमने मुझे रास्कल बुलाया, इतने आसानी से सब कुछ भूल गए? 3 बार 9th standard में फेल हुए थे तुम, मेरे 9th में पहुंचने के बाद मेरे पेपर से नकल करके तुम पास हुए, 10th में भी पहुंचने के बाद मेरे पेपर से नकल करके तुम पास हुए। वो सिर्फ इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में हो या कुछ भी, कितनी पिक्चरें दिखाई थी मैंने तुम्हें, एक बार भी तुमने पिक्चरों का पैसा दिया था, गाजर का हलवा कितनी बार खिलाया था, स्कूल में भी गुटली तुम मारा करते थे और होमवर्क मैं किया करता था ताकि तुम्हें टीचर की मार न मिले, और तुम सब कुछ भूल गए? वो सब पुरानी बातें दयाशंकर, आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ लेकिन इंसानियत भी भूल गए? हाँ, मेरे लिए सच्चाई और कानून इंसानियत से बड़े हैं। इस वर्दी का मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है, बैठो। नहीं, जा रहा हूँ मैं, इससे पहले कि तुम मुझे दोबारा रास्कल कहकर बुलाओ मैं चला जाता हूँ। अरे यार तुम्हें बैठने के लिए इंस्पेक्टर नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त यादव बोल रहा है, बैठो। देखो मुझे एक ही आदमी को डबल रोल में देखना नहीं आता, जाने दो मुझे। बैठ। तू यहां अकेला रहता है? मेरा मतलब है तूने शादी नहीं की? किए ना, दो क्या? सच्चाई और कानून मेरी दो बीवियां हैं। इंस्पेक्टर होता है दयाशंकर दूसरों का दुख दूर करने के लिए, ना ही शादी करके खुद दुखी होने के लिए। मैंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, मैंने आज जीवन ब्रह्मचारी रहकर इस देश की सेवा करने की कसम खाई है। तू तो बहुत महान हो गया रे। तूने बुलेट गैंग का नाम सुना है? नहीं।
नहीं सुना है? खैर, उस खतरनाक गैंग के खतरनाक डॉन को मैंने गिरफ्तार किया है। लेकिन वो तो बहुत खतरनाक मुजरिम होगा। तूने अपने जान की परवाह किए बगैर ही उसे पकड़ लिया? यस, किसी को भी पूछो गांव देवी का इंस्पेक्टर यादव फट से सलाम ठोकेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम वहां बीच सड़क पे मारपीट क्यों कर रहे थे? और नहीं तो क्या करता, मेरे शहर वाले मकान में एक लड़की घुस गई है, ना ही किराए वक्त पे देती है और ना ही बाहर निकल रही है। मैं उसे समझ दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे ही बीच में आ गए और झगड़ा शुरू हो गया। तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए था। अब पुलिस में? हाँ हाँ हाँ, वही मैं करने वाला था। मैंने वो लड़की को बोला भी, मैं जाकर गामदेवी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा। तो हंसने लगी बोली जाओ जाओ गामदेवी पुलिस स्टेशन ही जाओ, वहां का इंस्पेक्टर तो गधा है, डरपोक है, जोकर है। और क्या क्या कहा उसने। तो मैंने सोचा ऐसे गधे के पास जाकर क्या कंप्लेंट करना, मुझे क्या मालूम था कि वो तुम हो। उसने ऐसा ही बोला है? हाँ ऐसा ही बोला है उसने। हाँ, बहुत कुछ बोला। चल मेरे साथ। चल चल। कौन बोला ओपी? या तो जोकर है। कौन बोला साला? सिर्फ मकान खाली करने को बोला, मारेंगे हम फिर कभी आकर। नहीं, मेरे पास बाद में टाइम नहीं रहेगा, मुझे अभी मारना है। मत समझा कर यार, मारना मत, मारना मत। मैंने कहा था ना सिर्फ मकान खाली करने को बोल। ठीक है, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये घर खाली नहीं किया तो बहुत मारूंगा। फिर पता चलेगा साला के डरपोक कौन है और जोकर कौन है। रुकना रुकना, यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बहुत चर्बी है, इन लोगों को चढ़ाते रहते हैं कि पुलिस वाले क्या है? पायजामा खनाड़ी, यहाँ से डाला वहां से निकाला। अच्छा कौन है साला? कौन है वो माइक का लाल जो कहता है पुलिस पजामे का नारा है? आ इधर, हिम्मत है तो उसी नारे से फांसी दे दूंगा। मैं वो इंस्पेक्टर ओपी यादव हूँ जिसने बुलेट गैंग के डॉन को पकड़ा था। ओपी, मैंने इन लोगों को 24 घंटे की मोहलत दी है, ये मकान खाली हो जाना चाहिए। ए ओपी, क्या? ओपी जरा सबके सामने मेरे कंधे पे हाथ रखना। हाँ, 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 ये मेरा जिगरी दोस्त का बचपना है, मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। अगर इसको कुछ हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट चुप नहीं बैठेगा। इधर क्या पूछना हो रहा है साले? बदल दे, याद रखना सर, हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दूंगा। चलो 24 घंटे के अंदर अंदर ये मकान खाली हो जाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं किया तो साले याद रखना, सुन लो, मेरे दोस्त को अगर कुछ हुआ तो रास्ते में लाके खड़ा कर दूंगा पूरे मोहल्ले को, याद रखना बुढ़िया। यहाँ पुलिस क्यों आई थी? क्या क्या हुआ? पुलिस यहाँ आई थी? अरे मुझे बुलाना था। अच्छा क्या हुआ? 24 घंटे में घर खाली करना होगा। ओ दया शंकर, कोई आलतू फालतू आदमी नहीं लगता, वो इंस्पेक्टर उसका जिगरी दोस्त है। अरे कैसा दोस्त? अच्छा हुआ कि मैं अंदर सो रहा था, वरना सबकी सीटी बजा देता। आपकी सीटी कैसी बजी थी, पहले सुनी थी? मैंने भी सुनी आपकी चूड़ी। इंस्पेक्टर ओपी यादव हियर। हाँ, तुमने बराबर ही सुना है, बाबू बाटली को मैंने ही मारा है। देखिए, गुनेगारों को गले लगाकर चुम्मा देना ओपी की आदत नहीं है। या आप रूलिंग पार्टी के हैं या ऑपोजिशन पार्टी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। या हाँ, देखिए, सच्चाई मेरा धर्म है और कानून की रखवाली मेरा ईमान है। यू अंडरस्टैंड? या नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। यस, क्या बात है? सर, अभी जो आपने फोन पे कहा, तुम ये बाबू बाटली की बहन हो, उसकी माँ हो, भाभी हो, कौन हो तुम? नहीं सर, जो भी हो तुम, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सर, सच्चाई मेरा धर्म है और कानून की रखवाली मेरा ईमान है। यू अंडरस्टैंड? सर, आपने जो भी फोन पे कहा सर, अगर वो सच है तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। ऑफ कोर्स, 200% मिलेगा। आपने देखा कि ये बुलेट गैंग के डॉन को मैंने ही अंदर किया है। जी हाँ, जी हाँ सर। सर,
हम 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, अचानक एक दिन कोई आकर उस घर को खाली करने को कहे तो आप ऐसे आदमी का साथ देंगे? आप कौन है? जी मेरा नाम सरस्वती है, आप दयाशंकर के साथ हमारे घर आए थे। निकलो यहाँ से, गिरो ना इसे, गिरो। तो तुम ही वो बदतमीज लड़की हो हाँ? और तुम पुलिस वाले को डरपोक, बेवकूफ और जोकर समझती हो? सर, मैंने ऐसा कब कहा सर? एक तो तुम किराया देती नहीं हो, ऊपर से झूठी कंप्लेंट करने आती हो, सीधा अंदर कर दूंगा। लेकिन सर हम तो हर महीने का किराया देते हैं, इस महीने की रसीद तक मेरे पास है, ये देखिए। जरूर आप जैसे शरीफ और ईमानदार इंस्पेक्टर को दयाशंकर ने झूठ कहकर बहकाया होगा। तुम किराया टाइम पर देती हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी बोलोगी? पुलिस के बारे में कुछ भी बकोगी तुम? सर मैं आपके बारे में ऐसे क्यों कहूंगी? सर मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाले। पानी ले, पानी। आप ही ने तो बुलेट गैंग के डॉन को, इतने खतरनाक आदमी को आप ही ने तो बंद किया था। आपको जरूर किसी ने बहकाया है सर। सर मेरे खिलाफ आपको कोई भी किराया ना देने का सबूत मिले तो फौरन वो मकान खाली कर देंगे सर। लेकिन अगर मेरी बात सच हुई तो हम उस घर में रह सकते हैं ना, है ना, है ना सर? राम 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 राम। जब मैंने पहले आपके बारे में सुना तो मैंने सोचा कोई बुड्ढा बदसूरत और बेरहम पुलिस अफसर होगा, वो तो आपको देखने के बाद पता चला आप तो कितने जवान, कितने हैंडसम और फिर भी कितने नेक हो। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। देखिए अब रोइए मत, आप रोइए मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत, प्लीज 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 प्लीज। बस ओके, कुछ नहीं होगा, ये इंस्पेक्टर ओपी यादव का वादा है आपको। जी गो, थैंक यू सर। अरे कहाँ रहते हो तुम? जी जहाँ आप कल आए थे। मुझे यहाँ से घर तक बस तो मिल जाएगी ना? बस तो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम घर पहुंच जाओगी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती पांडुरंग जोशी। सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बाकी है, उसके बाद आएंगे पुलिसों के पुलिस, शेरों के शेर, इंस्पेक्टर ओपी यादव। उनकी दहाड़ सुनकर दादा लोग भी भाग जाते हैं, उनका नाम सुनते ही शैतान भी पानी नहीं मांगता, सब कुछ राख हो जाएगा। जरा रुको, मेरे बेटे को तो आने दो। उस घमंडी का इंतजार मत करना, सारा सामान निकाल कर बाहर रख दो। यादव जब गुस्से से अंधा होता है उसे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ फिर मत कहना मकान मालिक के सीने में दिल नहीं है, वो मेरा जानी दोस्त है, मेरे लिए चांद भी दे देगा। लो लो, आ गया यादव। अब देखो क्या, जो कुछ भी होता मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बाबा, अब देखो क्या तमाशा होता है। पिघल गया ना उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर तेरा पत्थर दिल भी पिघल गया, पलट गया तू, पलट गया। ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी ही बात है। नहीं, तू मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो लड़की भाड़ा नहीं भरती है? किसने बोला कि वो लड़की भाड़ा भरती है? अरे मैंने सारी रसीद अपनी आंखों से देखी है यार। वो सारी रसीदें गलत है। देख उल्टी बात मत करो, तेरे पास सबूत है क्या? अरे सबूत? हाँ पैसे है मेरे पास, अगर वो लड़की भाड़ा देती तो कुछ तो पैसे होते मेरे पास। मैंने पिछले महीने तक की 80 रुपए की मनी ऑर्डर की रसीद देखी है तेरी। 80 रुपए नहीं चाहिए मुझे। अरे 80 रुपए में एक जोड़ी चड्डी बनियान नहीं आती यार। देख, वो बात और है, लेकिन तू मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? भगवान भी झूठ बोलता है,
झूठ जब नेक काम के लिए कहा जाता है उसे झूठ नहीं कहते? नहीं, मैं सच का ही साथ दूंगा और कैश का भी। 100% उस लड़की ने तेरे को रिश्वत दिया होगा। दयाशंकर, पैसे ही चाहिए थे तो मेरे से लेना था, मैं तुझे ज्यादा देता। दयाशंकर, रिश्वत के नाम से मुझे नफरत है। रिश्वत का नाम सुनते ही मेरा हाथ उठ जाता है। लेने के लिए या देने के लिए? जबान संभाल के। मारना, रुक क्यों गया? अब यही बाकी था ना? तूने मुझसे ये भी झूठ बोला था कि वो लड़की ने बोला कि मैं डरपोक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। तेरे को कैसे मालूम वो लड़की ने ऐसा नहीं कहा तेरे बारे में? मैंने उससे पूछा, उससे मुझसे कहा कि डरपोक बेवकूफ इन शब्दों का मतलब ही नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, और तूने मान लिया? इसे कहते स्त्री चरित्र मेरे दोस्त। औरत का चक्कर, औरत की वजह से राम और रावण का युद्ध हुआ, औरत की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, और आज औरत की वजह से हम दोनों का युद्ध हो रहा है, वो भी उस औरत के लिए जिसे तू कल मिला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तू मुझे नहीं, मेरी लाश देखेगा, वो भी उस घर के सामने लटकती हुई। सारा शहर, सारा गांव तुझ पे थूकेगा, ये कहते हुए कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मरते दम तक मदद नहीं की। सुन, 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 मुझे जाने सुन, दे। मेरी बात सुन यार। अरे जाने देना, मेरी बात सुन यार। बैठ यार, तू तो जज्बाती हो गया यार। बैठ यार, ए चाय बोल। देख, तेरा प्रॉब्लम क्या है कि तेरे को अपना घर वापस चाहिए, करेक्ट? लेकिन इस तरह किरायेदार को जबरदस्ती हटाने से तेरे को तेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। और ये समस्या तेरे अकेले की नहीं है यार, ये पूरे बंबई की समस्या है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग किराए के मकान में रहते हैं, 50-50 साल से रहते हैं, लेकिन भाड़ा कितना देते? 25 रुपया 30 रुपया, क्या ये कोई बात हो गई क्या? और किराए के मकान में रहते इसलिए किरायेदार उसे रिपेयर नहीं कराएगा, और मकान वाले क्या सोचते कि मैं क्यों उसे रिपेयर कराऊं, इसमें मेरा फायदा क्या है? तू पेपर में नहीं पढ़ता, एक बिल्डिंग वहां गिर गई, कोई बिल्डिंग वहां गिर गई, क्यों? हाँ, तेरा फायदा उसमें है कि अगर तेरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है तो किरायेदार का उस जमीन पर कोई हक नहीं बनेगा, समझा? तो तू क्या चाहता है, कि मैं मकान गिरने तक इंतजार करूं या फिर फावड़ा लेके बिल्डिंग गिरा दूं? उसके लिए तुम्हें सही बोगदे से जाना होगा। बोगदा? टनल। पहले क्या करो, तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाओ, बाद में वो कंप्लेन के आधार पर अदालत में केस दाखिल करो, और जब अदालत में तुम्हारा केस चलेगा ना दयाशंकर, तब तुम्हारी बगल में सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सही दोस्त क्या होता है। भरोसा है ना मुझ पे? अगर भरोसा है तो हाथ मिलाओ। नहीं, जब तक तू कोर्ट केस में मेरे साथ खड़ा नहीं रहता मुझे यकीन नहीं होगा। जादव, हाँ साहब, इसका कंप्लेंट लिखो। बरा साहब। बोला, नाव का है? दयाशंकर मनोरीलाल पांडे। आरोपी का नाव? सरस्वती पांडुरंग जोशी। क्या? नहीं नहीं, मुझे तो उसके चेहरे से भी नफरत है। अरे तू समझा कर यार, मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। अगर एक बार उसने तुझे दिल दिया ना तो मकान तुझे एक झटके में देगी। घर में एक ग्लास पानी नहीं देती वो दिल क्या देगी? देगी, जरूर देगी, अगर तू उसकी नजरों में हीरो बन गया तो। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना, सोच कि ये मैं हूँ। सोचना क्या, वो तो तू है ही। तू समझा कर यार बात को, समझ, ये मैं हूँ और ये वो लड़की। ये कौन है? ये तू है। और ये क्या चल रहा है? शाम का समय है, भरी सड़क पे वो लड़की चल रही है, जा रही है, थोड़ी ही दूर पीछे तू चल रहा है, अचानक मैं आता हूँ। ये तेरे को क्या हुआ? साइकिल पे यार, बीच में से हाथ, धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता हूँ और हाथ डालता हूँ। हाथ क्या? चेन चुराने के लिए, चेन खींच के भागता हूँ। अरे तू तो साइकिल पे था ना? हाँ यार, भूल गए, साइकिल पे भागता हूँ। तू देखता है, तू मेरे पीछे भागता है, लड़की टेंशन में, ओ मेरा हार चेन प्लीज, मैं भागता हूँ, तू मेरे पीछे, हाँ मैं आगे, तू पीछे, वो लड़की, हाँ। इतने में एक मोड़ आता है और मैं साइकिल लेके रोकता हूँ, साइकिल नीचे उतरता हूँ, तेरी राह देखता हूँ, तू पीछे से आता है, आकर मेरे पास आता है, मैं चेन देता हूँ, तू कपड़े फाड़ने लगता है, मैं भी मेरे नहीं यार, मेरे पास एक ही जोड़ है, ये कैंसिल कर देता है, तू चेन लेके उस लड़की के पास जाता है, वो देखती है, उसकी जान में जान आती है, हाँ, आपको कहीं लगी तो नहीं? तू, हाँ, परवाह नहीं, वो आगे आती है। ये क्या? चेन पहनाने को बोल रही है।
हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो जो रूठे तो मनाते हो मना कर दिल दुखाते हो दीवाने हो हमें भी तुम दीवाना क्यों बनाते हो हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो जो रूठे तो मनाते हो मना कर दिल दुखाते हो दीवाने हो हमें भी तुम दीवाना क्यों बनाते हो हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते मुझको बुलाना छोड़ो ना भाई ये छोड़ो ना बोलो ना दिल पर से बोलो ना थोड़ा सा हंस के दिखाओ हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो कैसी ये लड़की दीवानी मांगे है दिल की निशानी इतनी है मेरी कहानी बातें तुम्हारी ही मानी आओ ना बाहों में आओ ना चाहो ना तुम दिल से चाहो ना चाहत है क्या ये दिखाओ हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम सताते हो दीवाने हो हमें भी तुम दीवाना क्यों बनाते हो ये सब होगा क्या ए तेरे को बब्बन के दिमाग पर भरोसा नहीं क्या एक बार ढक्कन खुल गया ना तो समझ लो निकल पड़ी अरे ये मौका बहुत अच्छा है रोड पर कोई भी नहीं है अरे यार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी तू पनवती मत लगाना यार जाना यार जा अरे मेरी चेन छीन ली अब रुकिए चोर ए ए चोर ए चोर तो इसे उसे रोक साइकिल वाले को रोक लीजिए प्लीज वो चेन लेके अरे उसे रोक लीजिए प्लीज साइकिल में मेरी चेन लेके भाग रहा है जाने दो तो यार मेरी चेन है उसके पास नहीं 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 अरे
छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे लोगों का ना ऐसे मारना नहीं चाहिए, पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाना चाहिए, मार डालना चाहिए, पुलिस वालों को रिश्वत देके भाग जाएंगे। अरे तू भी मारो। ये लो तुम्हारा चेन, बी केयरफुल। अरे ये मिनिस्टर का केस है रूपी, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ इसमें। नमस्ते। यस भाई, बोलो क्या काम है, कौन है आप? वकील साहब। वकील? अरे वकील है तो वकील के पास क्यों आता है भाई? मैं मकान मालिक हूँ। जब तक संदार्स का टंकी रिपेयर नहीं करेगा मैं तुमको भाड़ा नहीं दूंगा। अरे सीधा मुझ पर केस करो, कुछ करो, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक मकान है बम्बई में, मैं उसका मालिक हूँ। 20 साल से वहाँ किराएदार रह रहे हैं लेकिन वो घर खाली नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाड़ा तो देते हैं ना? नहीं नहीं, भाड़ा देते हैं लेकिन मेरे को 1 महीने में मकान खाली चाहिए और वो लोग मकान ही नहीं खाली कर रहे हैं। मैं टाप का वकील हूँ, टाप का गुंडा नहीं कि मारा मारी करके तुम्हारा मकान खाली करा दो। बात नहीं, मारा मारी नहीं करना है। अरे भाई जो रेगुलरली भाड़ा देता है उसे मकान कैसे खाली कराएंगे यार? अरे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 सेक्टर 16 एक्ट 4 के मुताबिक बोनाफाइड नीड के मुताबिक आप घर खाली करवा सकते हैं। वकील मैं है को तू है? प्रॉपर्टी के कैसे जीतने में मेरे को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए मैं महंगा वकील हूँ। बात करता है और कौन सा कालम लगाना मेरे को पता है, तुम सिर्फ दे दो। जी बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा। क्या लिखा है? यही कुत्तों से सावधान। अरे नहीं यार, उसके नीचे भाई। ओ चप्पल बाहर उतार के आना। अरे बाबा उसके भी नीचे यार। क्या? फीस एडवांस में ली जाती है। हाँ तो बताइए ना कितने हुए? 1 लाख है? बाकी 1 लाख बाद में, अभी 1 लाख बस। क्या हुआ? अरे भाई क्या देखता है? अरे लो, 1 लाख कभी नहीं देखा क्या? बात करता है यार। 1 लाख 1 लाख ओ भाई, ये दे 1 लाख। अरे भाई ओए, अरे ओए, अरे क्या करता है? ओ भाई चीजा जी, मुझे 1 लाख रुपये की जरूरत है। हाँ तो ले लो ना, ले लो, वो खिड़की के बाहर मनी प्लांट लगा हुआ है, जितना चाहिए उतना ले लो, मनी मनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चीजा जी। मैं भी तुम्हारे बहन से शादी करके जब बंबई आया था तब मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसी वक्त बंबई का मकान चारुलता के नाम पे ट्रांसफर कर दिया होता तो हमें 1 रूम के फ्लैट में रहने की नौबत नहीं आती। ज्यादा तब पुरानी बातें क्यों निकालते हो, अब सब कुछ है ना तुम्हारे पास। एग्जैक्टली, मैं बैंक क्लर्क से मैनेजर अपने बलबूते पर बना हूं ना, उसी तरह से तुम्हारे भाई से कह दो कि अपने बलबूते पर 1 लाख मैनेज कर ले। जहदत अब तुम है ना? दीदी मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग झगड़िए मत। अच्छा चीजा जी वो दहेज में जो स्कूटर दिया था उसकी चाबी मिलेगी? चाबी मिलेगी, स्कूटर नहीं। पब्लिक ने मारा वो छोड़, लेकिन तू मेरा दोस्त होके मुझको 2 झापड़ मारा। अगर मैं झापड़ नहीं मारता तो तू अंदर जेल में होता चक्की पीसता हुआ, और ये आइडिया भी तेरा ही था चक्की पीसने के लायक। इधर मेरा आइडिया सुन। नहीं यार और आइडिया नहीं, बहुत मार खाया। अरे यार मेरा तेरे जैसा बकवास आइडिया नहीं है, मैं एडुकेटेड है यार, पढ़ा लिखा। इधर मैं एक वकील को मिला ना, उसने बोला 2 महीने के अंदर तेरा मकान खाली करवा के देता हूँ। दे ना। अच्छा फिर ठोक दे केस। कैश? कैश नहीं है ना अपने पास। अच्छा हुआ याद दिला, वो तो मेरे पास भी नहीं है। सुन मेरी बात सुन, बहुत अच्छा आइडिया यार, लेकिन तू झटका तो नहीं खाएगा ना? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा सुन, वो हरिबाल से क्या बोला? देखा खाया ना झटका। सुन वो हरिबाल से 1 लाख रुपये दिला ना। हा? अरे उधार यार, 2 महीने के लिए। पागल हो गए तू? अरे मेरा सेठ मुझे पगार देते है जैसे उधार दे रहा हूँ, और तू उससे, तू मुझे इसमें मत फंसा। जा बाबा जा, ये खटिया खड़ी करेगा, जा बाबा। तो डूब मर बाटली में, कुछ नहीं होगा तेरा। वो लंबी लंबी इमारतें देख रहा ना तू, वो लोग भी यहाँ ही शरबत बेचते थे, लेकिन अब उनके पास 1 करोड़ रुपये है। कैसे? अरे पूछना कैसे, अक्ल से। एक बार वो मकान मेरे कब्जे में आ जाए ना, मैं उसे 2 करोड़ रुपये में बेचूंगा। दो करोड़। उसके बाद उस 2 करोड़ के साथ हम दोनों पार्टनरशिप शुरू करेंगे, धंधा शुरू करेंगे, शरबत का धंधा। फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16,
16 का 32, 32 का बस कर यार, इसके आगे मुझे गिनती नहीं आती। उसके बाद लोग तुझे बब्बन सेठ कह के बुलाएंगे, बब्बन राव सेठ। हरिबाब जैसे 8-10 कुत्ते तेरे इर्द गिर्द भटकेंगे और फिर हम दोनों किसी राजा से कम नहीं होंगे। सोच बबान, तू और मैं राजा। हाँ, तू राजा बोल, मैं हरिश्चंद्र। क्या बोलता है? बोबो वापस ला, वापस ला, बोबो वापस ला। शाबाश, मेरे थोबड़े पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूं? नहीं, लिखा नहीं है। फिर ये इसका जीजा जी इतना बड़ा मैनेजर है भोपाल बैंक का और खुद के लिए 1,00,000 रुपया नहीं निकल सकता? देखिए, मेरे जीजा जी को लेनी है मर्सिडीज गाड़ी। बैंक ने 39,00,000 रुपया तो पास कर दिया, 1,00,000 रुपया कम पड़ गया। अब 1,00,000 रुपये के लिए कौन बैंक के साथ मगजमारी करेगा, एप्लीकेशन पेपर वर्क, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस कब मिलेगा? 5-10 दिन में। वापस नहीं मिला तो? देखिए, आपको देना हो तो दीजिए, 50 आदमी खड़े हैं लाइन में पैसे देने के लिए। वो क्या है, पवन मेरा दोस्त है, वो गिड़ गिरा है, सेठ जी से लो, सेठ जी से लो, इसलिए। अरे भाऊ, कितना मेहनत करते हो आप, रोज 25-30 आदमी को 1,000-2,000 रुपए देना, और ब्याज भी कितना कम लेते हो, सिर्फ 10%। इसलिए मैं बोलता हूँ ये 1,000-2,000 का झंझट छोड़ दो, 1,00,000 रुपया दो, बदले में 10,000 रोकड़ लो ब्याज का। हाँ, पार्टी तगड़ी है। बाबा चाय लाऊं? दो चाय सिर्फ, मेरा और उसका। क्या कर रहा है बेटे? हिसाब लिख रहा हूँ। इधर मजे से दरी पे बैठा है, ये मैला होएगा तो धोने का खर्चा तेरा बाप देगा। नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैं 12% ब्याज लूंगा। ठीक है, पैसे लाइए। क्या? अरे पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारे जीजा जी के हाथ में दूंगा, अपने हाथों से। जीजा जी? क्यों, लोन जीजा जी को चाहिए ना, कि तुमको चाहिए? हाँ, जीजा जी को चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उनको कल बैंक में आके दे दूंगा ये एड्रेस। बैंक में नहीं, घर में, ठीक 10 बजे, उसके पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। जीजा जी टाइम के बहुत पक्के हैं ना। घर पे तो घर का एड्रेस है। हाँ, वो अपने भवन के पास है। हाँ। तुम जाओ। लेकिन बबन, तुम जाओ, मेरे को बबन से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम जाओ। अंदर काय को गया था? वो चाय, वो तुमको मैं गया था तेरी। दया, तुम इतने दिनों से शहर में थे? जी, काम वापस बगैर पैसे के गया तो तबाही मच जाएगी। कुछ इंतजाम हुआ? जी, एक दयालु आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। मैंने उसे यहाँ बुलाया क्योंकि रास्ते में खड़े रह के पैसे नहीं ले सकता ना। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा घर बच जाए। दीदी, मैं 2-3 दिन से नहाया नहीं, मैं जरा नहा लूँ। तौलिया अंदर ही है। हाँ, वो हरिबा आएगा तो पैसे ले लेना। नमस्ते, ये जेडी निगम साहब का घर है? जी हाँ। आप ये पैसे देने आए हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, पैसे देने वो घर में है? जी हाँ, बाथरूम में है, आइए ना। आप निगम साहब की पत्नी? जी हाँ। आप पैसे मुझे दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो मैं उनके हाथ में दूंगा, क्या है कि धंधे का उसूल है ना। हाँ, लेकिन उन्हें देर लगेगी, अभी अभी नहाने गए हैं ना। कोई बात नहीं, आराम से, मैं तो यहाँ दोपहर के खाना खाने तक का भी इंतजार कर सकता हूँ। मैं आपके लिए पानी? नहीं नहीं नहीं, पानी की तकलीफ मत कीजिए, चाय लाइए। एक। अच्छा, कौन है? वो लोग आ गए। ओ, आप आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दया शंकर के जीजा जी? निगम साहब, निगम साहब। निगम साहब, आप पूरे थोबड़े पे दाढ़ी बनाते, आंखों के ऊपर के भवे के भी दाढ़ी बना देते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए। आवाज लाइए। नहीं, अच्छी है आपकी आवाज दया शंकर। साला है ना मेरा। हाँ, होगी, आखिर खून का जो रिश्ता है। अच्छा, पेन पेन, इस टाइम पे पेपर, पेन दे। लाइए, एक सेकंड,
निगम साहब ही है ना आप? निगम साहब, ये 1 लाख रुपया है, इसमें 25 रुपया ऑटो का काट लिया है, हिसाब है ना भाई? ठीक है ठीक है, ये लीजिए, वापस जाने का भी आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ब्याज में जोड़ दूंगा ना। हाँ अच्छा, जोड़ दूंगा। ओके अच्छा, अभी इसके मुताबिक अगले महीने की 19 तारीख तक मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आपके हाँ? पैसे मिल जाएंगे 12% ब्याज के साथ। हाँ, 12%। एक बात बोलूं, ये आप पैसे वाला है, लेकिन इतना ज्यादा वो शेविंग क्रीम क्यों यूज करता है? इतने शेविंग क्रीम में तो मैं 15 साल तक दाढ़ी कर सकता हूँ। डोंट माइंड प्लीज। ये लीजिए। अरे वाह रोजी। यस सर। ये कार का पेमेंट कर देना भाई। ओके सर। भाई थैंक यू यार, यू आर वेरी लकी। 2-3 साल में आपको मकान का कब्जा मिल जाएगा, जाओ। दो तीन साल में? हाँ। लेकिन तब तक तो मेरा गांव का घर बिक जाएगा। अरे भाई को मजाक थोड़ी है, 2000 केसेस हैं कोर्ट में, 400 तो मेरे पास है भाई। हाँ, लेकिन इतना टाइम क्यों? अरे यार बाबा देखो, जब से महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट बना है ना, तब से उसमें कोई सुधार ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक मामला है, हर इलाके में 40% वोटर्स किराएदार हैं। अब अगर इस कानून में सुधार किया जाए तो 40% वोटर्स वोट नहीं देंगे, और नेता ये चाहता नहीं। ठीक है कि नहीं? अच्छा जाओ। हा? दूसरा कोई रास्ता नहीं है? है ना, एक इधर है एक उधर है, दो है ना है? अरे वो रास्ता नहीं, और एक रास्ता है, है? जबरदस्ती उस घर के अंदर घुसकर मैं रह जाऊंगा, देखना। अरे उससे क्या होगा भाई? उससे रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के लिए सेक्शन 9 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सिविल सूट फाइल कर देंगे कि वो लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसे हैं। अरे मगर वो किराए की रसीद बता देंगे तो? तो हम बताएंगे कि वो किराए की रसीदें है ही नहीं, वो उधार लिया था, वो वापस दे रहे, या फिर वापस फ्रॉड का केस डाल देंगे उनके ऊपर। लेकिन भाई वो इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के मुताबिक अगर उन्होंने मिसचीफ 427 या घर ब्रेकिंग का केस डाल देंगे तो हमारे पास वो सेक्शन 9 तो है ही ना। अरे भाई मगर इसमें कोई लोचा तो नहीं होगा ना? लोचा कैसे होगा, मैं हूँ ना। है? ये एक ही तरीका है 1 महीने के अंदर घर खाली करवाने का, आप समझ लीजिए। अरे भाई तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कालम का, तो मेरे पास क्यों आया? खुद को नहीं केस लड़ लेता? डिग्री नहीं है ना। अच्छा तो तुमको डिग्री चाहिए, वकील चंदी रमानी नहीं? ऐसी बात नहीं है वकील साहब, वो क्या है मैंने कोर्ट कचहरी में इतने चक्कर काटे हैं कि वकीलों की बात सुन सुनकर ही मैं सीखा हूँ। आप केस फाइल कर दीजिए। हाँ मैं केस दाखिल कर देता हूँ और मैं घर के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। माँ जी तात्या, देखो दयाशंकर। माँ जी कैसे हैं आप? क्या फिर से झगड़ा करने आए हो? हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, सोचता हूँ उन्हें आराम से रहने दो। तो ये सब क्या है? ये कुछ मिठाई और गिफ्ट लाया हूँ माँ जी के लिए, मैंने उन्हें बहुत पाला बुरा कहा ना, सोचता हूँ उन्हें ये सब देकर माफी मांगकर चला जाऊं। अच्छा माँ जी आई। कौन है? ओ आई। कौन है? आई आई, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे माँ, माफ कर देगा। अरे लेकिन रोते क्यों हो? माँ मुझे माफ कर दे। रोना नहीं, हाँ रोना नहीं है। माँ मुझे माफ कर दे। अरे बाबा पहले तुम उठो, मुझे नहीं नहीं मुझे माफ कर दे। हाँ 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 माफ कर दिया, तुम उठो और अरे मुझे भी उठाओ बेटा। माफ कर दिया ना तुम्हें माँ? अच्छा हे भगवान, बात तो ठीक तो है ना माँ? मैंने आप जैसे अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, आप लोगों ने मेरे घर का ख्याल रखा, किराया वक्त पर दिया, और मैंने आप लोगों के साथ ये तुम क्या क्या कह रहे हो? दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर कोई किराएदार मकान खाली नहीं करेगा तो कोई भी मकान मालिक ऐसे ही। माँ जी ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जिस होटल के कमरे में मैं रुका था वहां से किसी ने मेरे 6000 रुपये चुरा लिए। 6000? हाँ हाँ 6000। लेकिन तुम होटल में क्यों रुके थे? शहर में कुछ काम था माँ जी, किसी से कुछ पैसे लेने थे, लेकिन उस हादसे के बाद वो कमरा भी छूट गया। माँ जी? हाँ? माँ जी इस कमरे में कौन रहता है? कोई भी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा माँ जी। माँ जी क्या 2 दिनों के लिए मैं इस कमरे में रह सकता हूँ? हाँ? 2 दिन? शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी,
मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। बात वो नहीं है, आप तो मकान मालिक हैं। नहीं नहीं, मैं उस अधिकार से नहीं आया हूँ। क्या है ना, माझी मजबूरी है ना, कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे अरे पास। लेकिन मेरी गुले सामान लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी। अरे वो तो मैं आपको बोलना ही भूल गया माझी। माझी मैं अजीब किस्म का आदमी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपना सामान लेकर चलता हूँ। माझी बचपन की आदत है, इसलिए जहाँ भी सोता हूँ, घर हो या होटल का कमरा, अपने ही बिस्तर पे सोता हूँ। यहाँ तक माझी कि मैं खाना भी अपने हाथों से पका कर खाता हूँ, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ ना अपने ही साथ अपना सामान लेकर चलता हूँ मैं। हेलो हेलो, हाय, आप यहाँ? मैं आपकी राह देख रहा था। क्यों? नहीं, ये पूछने के लिए कि उसने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया था ना? ओ, नहीं नहीं, उस दिन के बाद तो उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ, दिखाएगा भी नहीं, ऐसा धमकाया उसको मैंने कि इस बंगले में तो क्या पूरे शहर में शक्ल नहीं दिखाएगा। थैंक यू। मैं एक हफ्ते के लिए गोवा जा रहा हूँ, छोटा चेतन को पकड़ने। अच्छा। बहुत खतरनाक है, बुलेट गैंग का डॉन है ना, उसके जैसा है, बहुत बड़ा है, उसे मारना है। अच्छा अच्छा। कुछ चाहिए आपको वहाँ से? काजू फेनी की साड़ियाँ? मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके ओके। वो दोबारा अगर आपको तंग करे तो सीधा मेरे पास चली आना। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनिए जी, वो बोले तो याद रखना। अच्छा। यहाँ जा। दीदी, वो दयाशंकर उसका बोरिया बिस्तर सब कुछ लेकर हमारे घर आया है। क्यों? अब वो यही रहने वाला है वहां उस कमरे में। कहाँ है वो बंदर? यही कहीं होगा, बाहर तो नहीं गया। मैं चावल दे रहा था, आजकल चावल कितना महंगा हो गया है ना, ये सरकार भी। आई आई, जब तक इस मकान का किराया दे रहे हैं तब तक ये मकान हमारा है। बड़ा बेशरम है, हमारी रसोई में चावल धो रहा है, मुझसे कहता है चावल के दाम बढ़ गए ना, तो मैं क्या करूं? आई, तुम अभी इसे जाकर कह दो, अभी इसी वक्त ऐसे चला जाए। अरे सिर्फ दो दिन की तो बात है ना। ओफो आई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो अपना बोरिया बिस्तर बर्तन चूल्हा सब लेके यहाँ आ गया है। हाँ हाँ, ये तो उसकी आदत है ना, वो सिर्फ अपने हाथों से पकाया हुआ खाना खाता है और अपने ही बिस्तर पे सोता है। ऐसे कई कई लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपना काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। तो अपने घर में करे। उसको सिर्फ शहर में दो दिन का ही काम है। तो वो होटल में जाकर क्यों नहीं रहता? अरे वही तो, होटल में किसी ने उसके 6,000 चुराए ना। झूठ 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 बोलता है वो, उसके पैसे और चोरी हो गए। हाँ, 6,000। उससे बड़ा चोरा कौन हो सकता है? आई, तुम अभी उसे जाकर कह दो, अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। कहती हूँ, लेकिन तुलसी के पास पहले दिया तो जला दो। आई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा। ये क्या हो रहा है?
दीप ज्योति नमोस्तुते। अब तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? दीदी दीदी तुम इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। उसे ये साबित करना चाहता है ये उसी का घर है। संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। देखिए इस घर में और लोग भी हैं जो दिया जलाकर पूजा करते हैं। भगवान का पाठ करते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए, भगवान तुम्हें शिक्षा देगा। तुमसे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकती है? शुभम करोति कल्याणम। देखो तुम ये सब बंद करते हो या नहीं? आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। चुप रहो। दीप ज्योति नमोस्तुते। पाठ खत्म होने के बाद हम आराम से बात कर सकते हैं। तू जा कर पढ़ाई कर। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे बाद नहीं नहा सकते क्या? बाहर निकलो। नहीं, और तुम मेरे बाहर निकलने का इंतजार भी मत करना, क्योंकि मुझे नहाने में कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। मुझे अपने ही बाथरूम में दिल की तसल्ली होने तक नहाना है आज। क्या बात है दीदी? देखो ना क्या मुसीबत है, कहता है अपनी 60वीं वर्षगांठ के बाद ही बाथरूम से बाहर निकलेगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अबे ओ मोटू, अपने दीदी को समझा दे, अगर उसे ये मुसीबत लगती है तो उसे कहो कि मकान खाली करके चली जाए। पहले तुम बाथरूम से बाहर निकलो। अरे चल बे मोटे हाथी, अरे चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल चल खटारा के चले आ। गाना गाओ और जोर से गाओ। बंद है और जोर से गाना गाओ। पानी, ए पानी बंद, ए पानी किसने बंद किया रे? ए भाई, ए मोटू पानी चालू कर। ए हाथी पानी पानी चालू करना। ए मेरे कपड़े वापस दे दो। देखो मैं ऐसे ही बाहर निकलूंगा, बहुत शर्मिंदगी होगी तुम लोगों को। निकल रहा हूँ मैं। ए, कपड़े दो ना यार। वो अगर केस कर दूंगा ऐसी धमकी देता है तो तू भी उस पर केस कर दे कि वो जबरदस्ती तेरे घर में घुस आया है। समझी मेरी बात? केस करने के लिए वकील को फीस देनी पड़ती है, और यहाँ तो महीने के आखिर तक इतनी तंगी हो जाती है कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो सब हिसाब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो तुम एक काम करो ना, आज उसे अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाओ और खिलाओ। वो चूहा मेरा पति है क्या? डार्लिंग मेरी बात तो सुन, खाने में चूहा मारने की दवाई मिला दे। उफ़ो जयश्री। अच्छा ये तेरे पैसे, उस दिन के उधार, अब हिसाब बराबर हुआ हा? आई मैं सोने जाऊं? सोने का नाम भी मत लेना, कल फाइनल एग्जाम्स हैं, चुपचाप पढ़ो। ओफो दीदी लाइट चली गई, अब कैसे पढ़े? लाइट चली गई दादी? और सबके यहां तो लाइट्स हैं, हमारे यहां क्या हुआ? जरूर उस मनुष की करतूत होगी। ये मेरी करतूत नहीं है, जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसकर रह रहे हो ना, तो भगवान ने तुम्हें सजा दी है। देखा, भगवान भी मेरे साथ है। भगवान और तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ तो सिर्फ शैतान ही होगा। अभी इसी से काम चला लो, कल किसी को बुला लेंगे। 8 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
बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में तुम्हारे अकल ठिकाने है या नहीं? वहाँ बच्चे पढ़ रहे हो और तुम आधी रात को गला फाड़ रहे हो। मैं गला नहीं फाड़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। ये मेरी बचपन की आदत है, जहाँ भी हूँ जैसे भी रहूँ, हर रोज रात को मैं 8 से लेकर 10 बजे तक रियाज करता हूँ। क्या आदत है, ऐसा लगता है जैसे गधा रो रहा है। मुझे क्या मालूम गधा कैसे रोता है, मैंने कभी आपको रोते हुए देखा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं एक अच्छा गाना सुना सकता हूँ। गाऊं? सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। किसने घर ये दिया दिया है, किसने कब्जा किया किया, ऐसा कैसे हुआ हुआ है, सब कुछ तुझको पता पता, मैं भी जानू तू भी जाने, जाने जाना फिर भी तू ना मेरी माने, जाने जाने जाना फिर भी तू ना मेरी माने, जाने जाना। सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। कैसे ये भोले भाले अंदर से काले हैं, हमने तो सांप जैसे घर ही में पाले हैं। दिन रात ये तो हमको डसते ही रहते हैं, फिर भी शरीफ ये तो अपने को कहते हैं, मैं भी जानू तू भी जाने, जाने जाना फिर भी तू ना मेरी माने, जाने जानो तू भी जाने, जाने जाना फिर भी तू ना मेरी माने, जाने जाना। सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। भरोसा कीजिए धोखा वो देता है, जागीर हम जैसों की वो दाब लेता है। दया दिखाने वाले ठोकर ही खाते हैं, सीधे को दुनिया वाले उल्लू बनाते हैं। मैं भी जानू तू भी जाने, जाने जाना फिर भी तू ना मेरी माने, जाने सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। किसने घर ये दिया दिया है, किसने कब्जा किया किया, ऐसा कैसे हुआ हुआ है, सब कुछ तुझको पता पता, मैं भी जानू तू भी जाने, जाने जाना फिर भी तू ना मेरी माने, जाने जाना तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर। सरस्वती ये तेरा घर है मेरा घर, नहीं नहीं ये तेरा घर है मेरा घर।
ये अजीब सी बू कहां से आ रही है? मच्छी आई आई आई, वो बदतमीज तुलसी वृंदावन के पास मच्छी कहां है? हमारे घर में मच्छी? हे राम राम राम, ये आदमी तो हमारे घर को भ्रष्ट करके रखेगा। देख लिया ना, मैं पहले कहती थी इसके इरादे गलत हैं। सहन करने की भी कोई हद होती है। तुमने इसको यहाँ रहने का निमंत्रण दिया था ना, भुगतो। अब मैं देखता हूँ मच्छी कैसे काटता है। ए, ए, हाथी के बच्चे, हाथी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मच्छी को लात मारने की? शर्म नहीं आती छोटे बच्चे पर हाथ उठाते हुए? ये बच्चा हाथी का बच्चा नालायक। तुम इस घर में रहते हो उसका मतलब घर के सारे लोगों को परेशान करोगे? और ये सब क्या है? ये ब्राह्मणों का घर है। ब्राह्मण का घर तुमने बनाया? इसे तुमने बनाया ब्राह्मणों का घर? इसे ये मेरा घर है। अच्छा नहीं लगता तो खाली कर दो तुम लोग घर। खाली कर दो? हाँ, अब पता चलेगा कौन खाली करता है। खाली कर दो, घर खाली कर दो। आया बड़ा बस घर से निकालने वाला। निकलो यहाँ से। हाँ, हमें घर से निकालोगे? हमें घर से निकालोगे? लगे 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 घर से। ये कैसी मारपीट की आवाज आ रही है? लगता है दयाशंकर पागल हो गया। आज मैं फैसले करता हूँ। सुनिए, सबक सिखाऊंगा ना उसको। तमाशा क्या देख रहा है? इधर आ, मैं जरा बाल काट के आता हूँ। डरपोक कहीं का, चलो मैं ही निपटता हूँ। मेरा चाचा, मेरे बाप ने दिया था चाचा। हे आवाज़ झगड़ा कर रहा है, चुप रह, चल चलो चलो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत ही कमीने हैं। मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। दया शंकर तुम बाहर आ, बाहर आ। मुझे मेरे घर में खून खराब नहीं चाहिए। तुम हमारे बीच में मत आइएगा। आज यहाँ खून खराब होने वाला है। दया शंकर बाहर आ, बाहर निकल। दया शंकर अगर आज ये बाहर नहीं आएगा तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं तात्या, अरे मेरा खून पीना चाहता है ना तू? हैं? ले पी, पीना? खून पी? खून खराबा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसे तो मैं समझ गया। एक घंटे के अंदर अगर सारा सामान अपने सही जगह पर नहीं रखा ना तो तुझे काट काट कर मच्छी के मसाले में डालकर खा जाऊंगा। चल तू भी चल। आदरणीय मामा जी, यूं तो आपकी करतूतों की वजह से आई ने आपसे बरसों पहले रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन आज हम एक ऐसी मुसीबत में फंसे हैं जिससे सिर्फ आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। एक शैतान हमारे घर में घुस आया है और हमारा जीना हराम कर रहा है। अब तक हमने शराफत का रास्ता अपनाया था, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर है। आई ने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। मामा जी, अब आप ही हमें और हमारे इस घर को इस पापी से बचा सकते हैं। सरस्वती, डेंजर, मुंबई शहर को हिला देने वाले 800 वॉट के मामा काने आ रहे हैं। कुश्ती में गोल्ड मेडल, मलखांब में ब्लैक बेल्ट। उसे देखकर जल्लाद भी अपना रास्ता बदल दे। इतने खोखार मामा जी आ रहे हैं, जिसे भी अपनी जान प्यारी हो। अरे रात सरस्वती, उस बदमाश को क्यों बुलाया तुमने इधर? 9:11 हो जाए। तू जानती नहीं उसने कितनों के हाथ पैर तोड़े हैं? 15-20 खून किए हैं। जानती हूँ आई, और ये भी जानती हूँ कि गरीबों का हक मांगने के लिए वो किसी का भी खून कर सकते हैं। कल ही कोई बता रहा था हमारे मामा ने किसी को 20 मंजिल से नीचे फेंक दिया। क्या एक नंबर का शैतान बन कुछ भी हो, 12 साल जेल में रहने के बाद वो छूट गए हैं। और तुम क्यों डरती हो? डरना तो उसे चाहिए। जो भी हो, हमें तो हमारा घर वापस मिलना चाहिए। बस छोटू,
सबके सब मालिक को ही टोपी पहना रहे। मैं भी मालिक हूँ, कोई बेवकूफ नहीं, ना ही कोई मामा काने आने वाला है, ना ही उसका भूत। सबके सब नौटंकी कर रहे, मैं भी जानता हूँ मामा काने। वो तो पता चल जाएगा कोई आने वाला है कि नहीं, मामा का भूत या मकान मालिक की मैयत, सब पता चल जाएगा आज शाम को ही। अरे केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या करूं सर। गुड मॉर्निंग सर, कौन सा कालम लगाऊं? वकीलों के गुरु। अच्छा वो तुम आगे, मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर आपका प्रॉब्लम भूल जाओ, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्यों, क्या हुआ? अरे वो घर में मेरे वो किराएदारों ने एक मामा खाने नाम का गेंडा ला के रखा हुआ, वो तो ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ जैसे ऐसे ही मुझे निकल जाएगा। आप बताइए मैं क्या करूं। अरे क्या करूं क्या, तुमको अपनी जान ज्यादा कीमती है कि घर? घर हाँ, तो बस छिपकली की तरह उसी घर में चिपके रहो। अगर मामा काने से घबरा कर घर से बाहर निकले तो इस केस से और घर से दोनों से हाथ धो बैठोगे। हाँ लफड़ा होगा आज, तुम अंदर चलो नहीं तो मामा काने तुमको काना कर देंगे। सही बोली। सही बोली। आएगा नहीं, सिंगल का टिकट कटा के गांव चला गया होगा सीधा। नहीं मामा, वो आएगा, उसका सारा सामान तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। भांजी सामान से ज्यादा इंसान को जान प्यारी होती है। नहीं एनार, वो आए या ना आए, इस घर में मुझे खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा नहीं चाहिए? अरे ये डी हुई क्या तू, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है ये। हाँ मामा जी, मामा जी WWF स्टाइल से बिटना। चुप। ये हुई ना मामा काने वाली बात, देखना जैसे धोबी घाट में वो धोबी पटक पटक के कपड़े धोता है ना, वैसे धो के रख दूंगा उसे। अबे काम करो, चलो जल्दी खाना परसो, शाकाहारी खाना खाए हुए बहुत दिन बीत गए हैं। मामा हुँ? पीछे हुँ? आ गया वो। रुक, अभी धमाल आएगा और कल पेपर में हमारे कॉलोनी का नाम आएगा और तुम्हारा फोटो। क्या बेटा, मामा काने को सलाम किए बिना अंदर? मामा काने कहाँ है? मामा काने? मामा काने को नहीं जानता तू? जी नहीं, कल तक अंडरग्राउंड था वो, गटर साफ करता था। गटर नहीं साफ करता है, आदमी साफ करता है, और आदमी साफ करने के बाद गटर में फेंक देता है। बहुत खतरनाक आदमी लगते हैं। आपके गैंग के मेंबर है? मेरे गैंग का मेंबर नहीं है, मैं हूं। लेकिन आपके तो दोनों चुप। नाम है
देखिए, मेरा नाम काने वाने नहीं है, खतरनाक नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो मैं भी एक आध मर्डर कर सकता हूँ। क्या टाइम हुआ है? 11। मैं 1 घंटे का वक्त देता हूं ताकि तू अपना बोरिया बिस्तर बांध सके। अगर 1 घंटे में तुम यहां से नहीं निकले तो इस दुनिया से निकल जाओगे। 1 घंटा। सुन, मुझे यहाँ कोई लड़ाई बिड़ाई नहीं चाहिए। ये तो चुप करता ही। हाँ मामा, गुस्से में आकर कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना। अरे क्या तू भी अपनी माँ की तरह घबरा गई है? 12 साल जेल में बंद था, इस सिटी में वापस धाक जमाने के लिए 1 मर्डर तो करना मांगता ही चाहे। अगर मामा काने से घबरा कर घर से बाहर निकले तो इस केस से और घर से दोनों से हाथ धो बैठोगे। हाँ, हाँ, क्या फैसला किया? मैं नहीं जाऊंगा। क्या? ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा। कौन सा घर? यही घर जो मेरा घर है, यही घर जो मेरे बाप ने मेरे नाम पर किया था, यही घर जिसमें एक बदमाश लोग रहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत हिम्मत है। सालों बाद मैंने ऐसा मर्द का बच्चा देखा है। इतनी हिम्मत सिर्फ मेरे दोस्त शाल शोभराज में है। कहां से लाया तू इतनी हिम्मत? है हालात है, हालात। अरे चल ना यार, मान गया तेरे को, तू तो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने लायक आदमी है। इधर मुंबई में क्या कर रहा है? दुबई चल मेरे साथ, तुझे भाई बना दूंगा। भाई पांडे भाई, न दया भाई। मुझे किसी का भाई या बहन नहीं बनना। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो इन लोगों को इस घर से निकाल दो, भेज दो दुबई। इन लोग को? हाँ। भेज दिया। अभी तू और मैं दोस्त हैं, तू जा, सो जा आराम से। भेज दो हमें दुबई, इतनी बड़ी बड़ी डींग मारे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसको घर से निकालने के लिए बुलाया था कि हमें? भांजी भांजी, मैं हूं ना। अरे अभी रात बाकी, बात बाकी, कल सुबह बजेगा इस भांजे राजा का बाजा। देवा, आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है, आज कुछ अशुभ मत होने देना।
आंजे, मुझे याद आया कल तुमसे एक बात करना तो भूल ही गया था। अच्छा अच्छा, तो चलिए ना फिर अंदर चल के बात करते। नहीं 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 नहीं, अंदर की बात तो तुम कभी समझे ही नहीं बेटा। तभी हमने सोचा कि बाहर बुलाएं ताकि शायद तुम्हारे भेजे के ट्यूबलाइट जल जाए। है? आओ आओ मेरे कुत्ते की करी खाने वाले लाडलो, मेरा भांजा जवान की नहीं हाथों की भाषा समझता है। अरे देखिए, इनसे कहिए मुझे हाथ न लगाए। ए, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ पांव लगाएगा। बस। अरे अरे अरे, मार क्यों रहे आप मेरे को? मार क्यों ना ऐसे ही। अरे अरे, देखो लगेगा तो बहुत मारूंगा। बहुत मारेगा ये। अरे अरे अरे, कितनी बार बोला क्यों मार रहे मेरे को? पकड़ो उसे, मारो। प्रॉब्लम है क्या? है? मैंने बोला था ना मेरे को मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। शर्ट उतारो। नहीं निकाला तो क्या है? चप्पल निकालो। अभी नहीं निकाला तो? अभी चप्पल सर पर। अभी नहीं रखा तो? आइगो। आँखों का काजल, पाँव की पायल, तेरे गले का हार।
के तेरे झटके बातों की ये तकरार आएगा ये तेरी बातें भाई स्त्री ये बंगले वाले किधर गए वो लोग तो घर छोड़ के चले गए क्या ये मैनेजर किधर है अंदर जाकर देखिए मैनेजर किधर है मैनेजर क्या आपको अकाउंट खुलवाने का है नहीं उनका अकाउंट बंद कराने का है तुमने मैनेजर को किधर छुपाया बैंक मैनेजर ए मिस्टर जरा इससे बोलिए प्लीज मैं जोर से बोलूंगा तुम लोग बैंक वालों के बम को लूटते हैं ए मिस्टर तमीज से बात कीजिए ए तमीज वाली तू जरा तमीज से सुन ये मैनेजर है ना तुम्हारा उसने मेरे से 1,00,000 रुपया ले लिया है समझा ना अभी उसको छुपाया किधर है बाहर निकालो उसको बुलाओ क्या बात है क्या हो रहा है देसाई सॉरी आदमी आपके नाम से चिल्ला रहा है क्या बात है भाई कौन है आप
मैं कौन हूँ? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन है आप। अले वाह, आज तू तो टाई पहना तो मेरा थोबला भी भूल गया। उस दिन तो अपने थोबड़े पे झाग लगा के बड़े प्यार से बात कर रहा था 1,00,000 रुपये के लिए। 1,00,000 रुपया मैंने लिया? नहीं तो किसने लिया? और साथ में 12% ब्याज देने का भी बात हुआ था। ये देख, ये किसका सही है? ये साइन मेरा नहीं है, और मैं क्यों ब्याज पे तुमसे पैसा लूंगा? मर्सिडीज लेने के लिए। तुमको मर्सिडीज लेने का शौक था ना, निकाल मेरे पास। मेरे पास मर्सिडीज है? नहीं तो? तो ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठा झूठा तू है, तेरा बाप है। मार डालूंगा साले तेरे बेटे से, को मारता है तेरे बाप से, तेरे नाना से, बस से पैसा वसूल करूंगा। बैंक मैनेजर की औलाद। मैंने कितनी बार हेड ऑफिस को बोला, मेरे ब्रांच को पागल घर के बाजू में मत रखो। हर बार कोई ऐसे ही आ जाता है। दयाशंकर, ओ दयाशंकर। कौन है? छुट्टा नहीं है, चलो। अरे भवन, ये क्या हुआ? प्यार हुआ है भाऊ को मेरे से, और उसके कुत्ते को भी। हर 15 मिनट के बाद भाऊ मेरे को चाटा मारता है, और उसका कुत्ता आके मुझे चाटता है, काटता है, काटता है, काटता है। अभी के अभी भाऊ का पैसा वापस कर दे, नहीं तो मेरा राम नाम सत करेगा। देता हूँ बाबा। अरे कब? मेरा 12वां 13वां होने के बाद? साला क्या सपने दिखाए थे, बोले तो एकदम कलरफुल। वो गाड़ी, वो बंगला, लड़कियां, जूते से मुंह तोड़ देना चाहिए। तेरा नहीं, मेरा। तेरी मीठी मीठी बातों में आकर सपने में मैंने फ्लैट खरीद लिया। नौकरी गई, छोकरी गई, रोटी भी गई। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तू अभी के अभी भाऊ का पैसा वापस कर। अभी के अभी पैसे कहाँ से लाऊं? कुछ भी कर, चोरी कर, डाका डाल, टोपी पहना, वो तो तुझे अच्छी तरह से आती है ना। ठीक है, तू मेरे साथ चल। ये देख, इसमें अभी मुझे मत घसीट। मेरी बात तो सुन, सुन के लेना। बाबा, मैं नहीं छोड़ेगा उस कमीने शैतान दयाशंकर के बच्चे को, मैं नहीं छोड़ेगा। तू देखना, तूने मेरा बहुत सेवा किया है ना, अब एक आखिरी सेवा कर। वो बब्बन और दयाशंकर को कच्चा चबा जा। मैं तेरे को हड्डी दूंगा, हड्डी हड्डी कट्टी मेरे को मैं दिला। कमीने गद्दार, सुनो मेरा पैसा, सुनो मेरा पैसा ला। 1,12,000 ये लीजिए, ये लीजिए। इतने में आ गया? ये लीजिए। ये क्या है? देखिए तो सही। ये क्या कागज? इसका मैं पूरी बांधू। 1.5 करोड़ है। ये किधर है? जी मेरे घर के कागजात है। मेरा अपना घर है शहर में, लेकिन किराएदार घर खाली नहीं करता, इसलिए आपसे 1,00,000 रुपया लिया था ताकि उनके ऊपर केस कर सकूं। वो रुपये भी गए और घर भी वापस नहीं मिला। अब अगर आप जैसा खतरनाक गुंडा मावाली मेरी मदद करे। क्या बोला? मतलब आप पहचानते ना गुंडा मावाली को, तो उनको भेज कर घर खाली करवा दो। वो 12% क्या 100% देगा। 1,00,000 का डबल 2,00,000। ये टाइम तुम लोग मेरे को टोपी नहीं पहना रहे ना। आपको भरोसा नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, आप घर खाली करवाइए, आप घर बेच के उसमें से 10% आप रख लीजिए, कमीशन 15,00,000 रुपये। 15,00,000 मेरा? हाँ। मैं बेच दूं? हाँ। हो गया, तेरा काम हो गया। बेच भी दूंगा और खाली भी करा दूंगा। खाली होगा ना आपसे घर? ओए, 15,00,000 के लिए तो मैं पूरा बंबई बेच डालूंगा। ये तेरे नाम पे है ना घर? स्टैंप पेपर पे लिखा है नाम मेरा, या तो फिर आप बबन से पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं, बबन को क्या क्या अंदर क्या देख रहा है? मैं अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्योंकि अभी कान के नीचे ट्यूबलाइट जला। अभी चल, जाने का, अभी जाने का। ए बुला, घर के मालिक को बुला। मेरी माँ डेंटिस्ट के पास गई है, लेकिन आप लोग कौन हैं? तेरे को शक्ल से अच्छे लगते हैं क्या? अरे कच्ची कने बाहर निकल वरना पेड़ बना दूंगा। छोड़ दो मेरी दीदी। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगा रे पहलवान? भैया इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, सिर्फ सामान बाहर फेंक दो। तू कौन है? मैं दया से मनोनी लाल पांडे, मकान मालिक। तो तू है मकान मालिक? अरे चल निकल बाहर, निकल। क्या हो रहा है ये सब? चल बुलबुल
पानी ला। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था। तेरे कहने पर मैंने 1,00,000 रुपए का उधार लेकर उन पर केस किया था। हाँ यार, मैं जानता हूँ यार, मेरी हालत धोबी के कुत्ते से भी खराब है। ऐसे बोलना यार, बगैर पैसे के मैं शहर में जी भी नहीं सकता। मेरी बात तो सुन लेके ना। अरे तेरी बात सुनकर ही तो मैंने ये सब किया था। तूने ही तो कहा था ना, एक बार उन पर केस कर देना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। उनका दांत तोड़कर उन्हें अखरोट खिला दूंगा, आंख फोड़कर अंधेरी बेच दूंगा, टांग तोड़कर तड़ी पार कर दूंगा। लेकिन तूने क्या किया? मैं गोवा गया था ना। हाँ तो आ गया ना गोवा से। तू अभी देख ना, तू अभी देख मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? मैं हाँ। सालों की मार मार के मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा, तू देख अभी। ओफे, 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 मारना मत उनको, मारना मत। हाँ, लेकिन वो बटाटी की बोरी है ना, हाँ। उसे एक झापड़ मारना। और वो बाजू वाला है ना, टकला टकला, हाँ। उसके सर पे तबला बजा देना। और तू देखना मैं क्या तबला, हाँ। सारंगी क्या बजाता हूँ, तू देख। वो सब मेरे पे छोड़ दे। चल 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 अभी। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, अभी यार मुझे पॉकेट मार को ढूंढना है, लेडी हवालदार के साथ। कल नहीं, कल का क्या है कि एक उड़न खटोला नाम के गुंडे को पकड़ना है, एक हफ्ता लगेगा कम से। तो फिर मंगल, मंगल को। मंगल तो बहुत अमंगल दिन होता है। अरे मैं तेरे को मुहूर्त निकाल के शादी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ यार। बुधवार को मैं उन लोगों को उठा के तेरे घर के बाहर फेंक दूंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। हाथ मिला? पक्का। हाथ मिला? हाँ पक्का। यार तू दोस्ती में बहुत गड़बड़ करता है। नहीं पक्का पक्का यार, मंगल के बाद जो भूत आता है वही है। एक मिनट, रख रख रख, ये भी रख। सरस्वती,
आप? हाँ, आज आप सुबह पुलिस स्टेशन गई थी? वो आप गोवा से लौटे हैं, नहीं देखने आई थी। मैं आज ही पहुंचा, जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ आ गया। जी। वो दयाशंकर ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? वो तो 24 घंटे परेशान करता है। क्या बात करती हो, अब तो हमारे घर में घुस आया है। घर में? और तो और उसके 5-10 गुंडे आके हमारे घर में तमाशा करते हैं। उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। वो साले की मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। नहीं सर, ऐसा मत करना, वरना बाद में फिर वो हमसे बदला लेगा, और फिर हमारा तो कोई है भी नहीं जो हमें बचाए। मैं हूँ ना, माने एक एक इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि जी? मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको लास्ट वार्निंग देता हूँ जी, उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो साले की मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओके जी सर। और तुम एक काम करो, तुम मुझे शाम को मिलो। अच्छा सर, मैं ऑफिस से लौटते हुए पुलिस स्टेशन आती हूँ। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं। पुलिस स्टेशन नहीं, मैं शाम को सेंट्रल पार्क में इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो वहाँ मिलोगी? सर मैं आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर, आई मीन इट्स माय ड्यूटी, नॉट एट ऑल। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। अच्छा सरस्वती जी, वो शाम को भूलना नहीं है। ओके अच्छा। हाय हाय। हेलो, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। क्यों? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर। उसने क्या कहा? किसने? हाँ बताता हूँ, बहुत खूबसूरत शाम है। वो मकान कब छोड़ रहा है? हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। हा? अगर आप जल्दी बता दें तो मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, तो हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं। कम प्लीज प्लीज। कैसे कहूँ कि मेरी खाकी वर्दी के नीचे एक एक अपना बनियान? नहीं बनियान नहीं। अच्छा। बनियान हाँ, है हाँ? लेकिन बनियान नहीं। अच्छा। कवि है हाँ? कलाकार है, सिंगर है, बहुत बहुत भरा पड़ा है। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, प्यार भरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ, हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। ले ले दिल ले ले, हर दे दे दिल दे दे, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं तो हूँ दीवाना। तूने न जाना है, तूने ये न जाना, हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। ले ले दिल ले ले, हर दे दे दिल दे दे, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं तो हूँ दीवाना। तूने न जाना है, तूने ये न जाना, हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। तेरी अदा है प्यारी प्यारी, कर ली है मैंने तुझसे यारी। ओ तेरी अदा है प्यारी प्यारी, कर ली है मैंने
सब तुझ पे वारा, दिल मैंने हारा सब तुझ पे वारा, जीना मरना तेरे लिए। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देर हो रही है, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। ले ले दिल ले ले, अरे दे दे दिल दे दे, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं तो हूँ दीवाना, तूने न जाना हाय तूने ये न जाना। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको पागल हुआ। आज खाली कराऊंगा, कल खाली कराऊंगा बोलकर उल्लू बना रहा था मेरे को, झूठा कहीं का कमीना। लड़की को देखकर तेरी नियत फिर गई, आंखों में बत्तियां जलने लगी, होठों में मुस्कान चिपक गई, प्यार का बुखार चढ़ गया तेरे को। हैं? खोल दरवाजा खोल। ए, क्या गुलाब लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा था, शर्म नहीं आती तेरे को, होठों से पानी टपक रहा था। चुप, तेरा टाइम इधर, मेरी इज्जत है यार, क्या कर रहे यार तू, प्लीज यार, उनको भी सुनने दे, कितना कमीना आदमी है तू। काम कर तू पुलिस स्टेशन, हम लोग कल बैठकर बात करेंगे। पुलिस स्टेशन जाएगा तेरा बाप, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ बजाऊंगा कान के नीचे तेरे, एक बार निकल आज तो सच उगलवा के रहूंगा तेरे। उगलवाने का क्या, मैंने कुछ छुपाया ही नहीं है, क्या उगलवाएगा तू, सीधी तरह बाहर निकल वरना कमिश्नर को जाके बोल दूंगा। कमिश्नर को क्या लेना देना प्यार के मामले से यार, तू और तेरा प्यार, देखना क्या करता हूँ मैं, उस लड़की और उसके माँ को जाके बोल देता हूँ, तू बहुत बड़ा बेवड़ा है, बहुत बड़ा याश है। ये कोई तरीका है यार, शी, शी। मेरे को कोई तरीके से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है मकसद। क्या मकसद है तेरा, बोल ना क्या मकसद है। घर खाली करवाने का, तेरी प्रेमिका को जाकर बोल दे सारा घर खाली करवा दे, सुनेगी तेरी बात। एक काम कर, तू अंदर आ जाने यार, तू अंदर आ जा, हम लोग अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर आ जा, अंदर आ जा, दिखाता हूँ, आ जा, क्या कर रहा है बाहर खड़े, जो प्रमोशन मिलने वाला है, मेरा प्रमोशन रुकवा देगा यार। देख मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे इस मामले में सिर्फ 50% प्यार है। मतलब उसको तुझसे? नहीं, मुझको उससे। हाँ, मैं जानता था। कैसे? वो लड़की तेरे से क्या प्यार करेगी? लेकिन तो उससे प्यार करता है? एकदम पक्का यार, गंगा की सौगंध। अच्छा, अगर मैं तेरी शादी उस लड़की से करा दूं, तो तू मुझे क्या देगा? उसके परिवार को यहाँ रखेगा? मेरा मकान खाली करवा देगा? हाँ, हाँ, no problem. वादा? हाँ, हाँ, हाँ.
पहले की तरह उल्लू तो नहीं बनाएगा ना मेरे नहीं, को नहीं, गंगा की सौगंध गंगा की। तो ठीक है तू शादी की तैयारी कर ले। थैंक यू थैंक थैंक यू यार थैंक यू दया दया क्या एक प्रॉब्लम है मेरा क्या मेरी दीदी मेरी शादी कब होगी और किससे होगी वो सब दीदी तय करेगी। ठीक है तू दीदी को पटा ले मैं सरस्वती को पटा लेता हूँ। सरस्वती क्या मानेगी? सरस्वती क्या उसकी माँ भी मानेगी तू फिक्र मत कर हाँ शादी की तैयारी कर ले। माँ जी माँ जी मैं बाजार जा रहा था आपको कुछ चाहिए? अदरक मिर्ची शांति मैं जानता हूँ हमें परेशान करना छोड़ दो। ये सच है माँ जी मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। माँ जी मुझे मारिए माँ जी मुझे मारिए। माँ जी क्या मैं आपको अपने चेहरे से गुंडा मवाली लगता हूँ? हाँ मैं मानता हूँ मुझे बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन ठंडा भी तो उतना ही जल्दी होता है ना माँ जी। माँ जी मैं दिल का बहुत सच्चा हूँ माँ जी मैंने सरस्वती जैसे सुशील लड़की को बहुत सताया मैं उस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माँ जी। माँ जी उसकी उम्र क्या है? नहीं नहीं उसकी बढ़ती उम्र देख के मुझे बहुत चिंता होती है माँ जी कल रात को मैं सोया भी नहीं। मैंने सरस्वती के लिए बहुत नेक लड़का ढूंढा है माँ जी। क्या? हाँ माँ जी अच्छी खासी सरकारी नौकरी अच्छा पगार खुद का मकान सुर में गाता भी है और नाचता भी। माँ जी आप चुप क्यों हैं? मेरी बात मानिए अपनी आंखों से लड़का देखिए और आंखें बंद होने से पहले बेटी के हाथों में मेहंदी रचा दीजिए। हाँ नामुमकिन है मेरी बेटी की शादी कैसे हो सकती? तू चिंता ना कर माँ लड़का दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन वो लड़के को समझाने का काम मेरा आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ चलता हूँ। अच्छा माँ बाय। अच्छा माँ संभाल लेना आ गई है। आइए दीदी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुमने नौकरी छोड़ दी है क्या? नहीं क्यों? तो तुम पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं थे? मैं वहां गई थी। जी हम आपका इंतजार यहाँ कर रहे थे। वो क्या बात ही कुछ ऐसी थी कि पुलिस स्टेशन में करना ठीक नहीं था। क्या बात है? किसी महिला पे अन्याय हुआ है? मुझे सारी घटना सविस्तार बताओ। मैं आज की महिला के अगले इशू की कवर स्टोरी बना डालूंगी। जी नहीं अन्याय हुआ नहीं है होने वाला है। आपका भाई शादी करना चाहता है। हाँ समझी। मेरे भाई ने शादी करने की तय की है इसलिए मुझे यहाँ बुलाया। डोंट वरी मैंने एक लड़की देखी है। लड़की हमारे पास है। आप हैं कौन? आपने औरतों को समझ क्या रखा है? ये मेरा दोस्त है। ओ आपका बैग और छाता देख के मुझे लगा कि आप मैरिज ब्यूरो के एजेंट हैं। लड़की इसने ढूंढी है मैंने नहीं ढूंढी। प्यार का चक्कर है। ओ तुमने प्यार किया? नहीं दीदी 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 अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आया आया। वो क्या है ना ओम का प्यार है ना वो एक तरफा है। इसकी ओर से लव मैरिज है लेकिन उसकी ओर से अरेंज मैरिज। अब ये बात ओम को मत बताना वरना क्या हो जाएगा ना इसका दिल टूट जाएगा। हमें किसी भी हालत में ये शादी करवा के रहनी है वरना वो तो खुदकुशी कर लेगा। तो मामला इतना गंभीर है। गरीब है हा? गरीब है लड़की वाले लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ओम को पसंद ही करेंगे। इसलिए हम दोनों की कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी हालत में वो लोग ओम को पसंद करें। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हा? ओम की ओम की ओम की हा? दीदी यही मकान है मेरा उनका। आइए आइए आइए
आई बैठे आई आई ए आई आई तू किधर है? सरस्वती घर में है? नहीं। चलो अच्छा हुआ आई, तुमसे कोई मिलने आया। आजा 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 ना। नमस्ते। नमस्कार आई। मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था ना, ये उनकी बड़ी दीदी। आपसे मिलके खुशी हुई। आइए आइए चलिए बैठिए 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 बैठिए। हाँ आपको आज की महिला मालूम है? आजकल की महिला नहीं, मैं परसों की महिला हूँ। नहीं नहीं दीदी, अपनी मैगजीन के बारे में बात कर रही है। आज की महिला उसकी संपादिका है। माफ करना, मेरा भाई पुलिस अफसर है। हालांकि पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और मेरी माँ का सपना था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन मैंने उसे पुलिस अफसर बनने को कहा। नहीं लेकिन हमारे हालात। मुझे आपके हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी बेटी के नौकरी या आमदनी में। उसका पैसा है, जहाँ चाहे खर्चे। नहीं नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं है। आपको यही चिंता है ना कि आपकी बेटी को मेरा भाई पसंद आएगा या नहीं। आप चिंता ना करें, उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं है जो आपके बेटी को पसंद नहीं आएगी। दीदी ठीक कह रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं। आई चाय चाय। हाँ चाय। नहीं 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 नहीं, आप पहली बार आई हमारे घर, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ जी आइए। ये आइए। हो गया हो गया। धोखेबाज, दोस्ती के नाम पे तुम ऐसे धंधे करते हो? क्या क्या किया मैंने दीदी? उस लड़के के साथ मेरे भाई की शादी करवाने का तुम्हें कमीशन मिलने वाला था क्या? क्या बात करती हो दीदी, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं। तो उस लड़के के साथ इसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे? मैं करवाना चाहता था। आपका भाई उसके प्यार के चक्कर में है। तुम उस लड़के को कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, क्यों मिले? तुम उस लड़के के बारे में कुछ जानते भी हो? ज्यादा कुछ नहीं। तो प्यार कैसे हो गया? बस देखा उसको और देखते ही रहेगा और प्यार हो गया। मगर वो अच्छी लड़की है। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छी लड़की है? हाँ तुम पुलिस अफसर हो, फिर भी उसके बारे में डिटेल जानकारी पाने की तुमने जरूरत नहीं समझी? ये तो भगवान की दया है कि आज उस लड़की से बच गए तुम। लेकिन दीदी हुआ क्या ये तो बताओ। वो लड़की पागल है। मैंने उसे डॉक्टर शिवराज मेहरा के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है। मैं वहाँ गई थी आज की महिला के कवर स्टोरी के सिलसिले में, वहाँ देखा है मैंने उसे। ऐसे नहीं हो सकता दीदी, आपने किसी और लड़की को देखा होगा। ना मेरी नजर कमजोर है ना मेरी याददाश्त, वो लड़की यही सरस्वती थी और वो 2 साल से उस हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवा रही थी। अच्छा खासा तमाशा बना रखा आप लोगों ने मेरा। तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझती है आप, ना समझो को समझाना आसान होता है लेकिन ना समझ का ढोंग करने वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या समझ रखा आप लोगों ने मुझे, बेवकूफ। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को घर से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। जानती है आप, हजारों रुपए का कर्जा है मेरे सर पर, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कर्जा चुकाने के लिए मैं घर बेचना चाहता हूँ और आज आप लोगों की वजह से मुझे ढोंगी कहा गया। ऐसा तो कोई किसी मैरिज ब्रोकर के साथ भी नहीं करता। किसने धोखा दिया? बहुत हो गया आपका नाटक। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी पागल बन के इलाज के लिए डॉक्टर मेरा के अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी? हुई थी। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। सुबह शाम रामा शिवा गोविंदा का नाम लेके घूमती रहती है आप, सिर्फ इसलिए ना ताकि आपकी पागल बेटी का राज छुपा रहे, उसकी शादी किसी भले आदमी के साथ हो। क्या हक बनता आपको किसी भले आदमी की जिंदगी बर्बाद करने का? भगवान आप जैसे धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।
क्या बात है? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। उसने कुछ बुरा भला कहा क्या? नहीं तो। तो फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आई। बेटे, जो बातें तुमने मुझे कही वो मेरी सरस्वती को कभी मत कहना। वो मेरी तरह इन बातों को दिल में दबा के नहीं रख सकती। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन मैं अपने मुंह से दुनिया को कैसे कहूं कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी। हाँ, ये सच है कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि 2.5 साल पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी। घर के बाहर मंडप सजा था, शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी। शादी की पिछली रात सरस्वती अपनी सहेलियों के साथ अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। हाँ, हाथ मत लगाओ, मैं अभी जाकर मेन स्विच ऑफ करके आता हूँ। हाँ? बरस आए। सुनो, कुछ स्पार्क हो रहा है, मैं 10-5 मिनट के लिए मेन स्विच ऑफ करता हूँ। हाँ? ओह नो दीदी, ये जरूर छोटू ने किया होगा ताकि अंधेरे में उसे कोई लड्डू चुराता न देखे। रुक जाओ, उसे तो मैं दिखाती हूँ। सरस्वती नहीं जानती थी कि उसके बाबा आंगन में जनरेटर दुरुस्त कर रहे हैं। उसने मेन स्विच ऑन कर दी। लोगों की चीखें सुनकर वो बाहर दौड़ी। वो ये नहीं जानती थी कि उसी की शादी के मंडप में उसके पिताजी की जान जा रही है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उसके हाथों की अधूरी मेहंदी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके माथे पर पागलपन का कलंक तो है। वो कहती है कि इस घर के कोने कोने में उसके पिताजी बसे हैं, इसलिए ये घर खाली नहीं करना चाहते। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से झूठ कहा कि मैं इस घर में रहने आ रहा हूं। मैं इस घर को बेचने के इरादे से आया था। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ, इसलिए इस घर को बेचने की मेरी आखिरी कोशिश थी। मरने से पहले मेरे पिताजी ने बहुत कर्जा लिया था, उनका कर्जा मैं चुका नहीं पाया। हाँ, मैंने कोशिश जरूर की, तो बहनों की शादी की, बड़ी धूमधाम से की, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। मेरी जिंदगी कर्ज और जिम्मेदारी के बीच में अटक गई। ये सब बातें मैं तुम्हें मकान खाली कराने के इरादे से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं जान गया हूं कि ये घर तुम लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है। पुरानी बातें करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूं मैं, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जहां निराशा और निराशा थी, वहां अटल होकर तुमने अपने परिवार को बड़ी हिम्मत से संभाला। तुमने जितने दुख दर्द सहे, उसके आधे हिस्से के भी दुख दर्द मैंने नहीं सहे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
ना ही मैं जबरदस्ती शादी की बात छेड़ता, ना ही सरस्वती को यह सब सहना पड़ता। दीदी की राय जो भी हो, तूने क्या फैसला किया? सरस्वती से माफी मांगने का। और शादी? नहीं, कभी नहीं। क्यों, तुझे लगता अभी भी वो? नहीं नहीं, सरस्वती में कोई खोट नहीं है, वो तो नेक और समझदार लड़की है। खोट मुझ में है, दोस्त में भूल गया था कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे शादी करना चाहता है, ना ही उससे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। अभी माँ का टेलीग्राम आया, मैं गांव वापस जा रहा हूं। तो क्या सरस्वती ने घर खाली कर दिया? नहीं। तो मुझे वो घर नहीं चाहिए। एक मिनट, जिस घर के लिए तूने इतने झगड़े किए, इतनी मुसीबतें उठाई, उस घर को तू ऐसे ही भूल जाने को तैयार हो गया? एक बात पूछूं, मुझे देर हो रही है। तो सरस्वती से शादी क्यों नहीं कर लेता? कैसी बातें करता? तू जो कुछ भी उसके लिए कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसे चाहने लगा है। चाहता है ना? नहीं। झूठा। अरे दयाशंकर, बेटा क्या हम कोई ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां हमें कर्जदार बनकर नहीं रहना पड़े? दयाशंकर, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि तुम दुखी मत होना। जिस घर में तुम सालों से रहे हो, वही घर तुम्हें बेचना पड़ रहा है। पर मैं भी क्या करता, मेरे साले साहब तुम तो जानते हो मुंबई से आ रहे हैं हिसाब मांगने, मुझे देना पड़ेगा। भाई देखो, तुम मुझे बद्दुआ मत देना। सेठ जी, कुनिगर आपने ये मेरा किया हुआ है, मेरी गलतियों की वजह से आज मेरी माँ और बहन। ये क्या है सेठ जी? वो सारा कर्जा चुकने के बाद तुम्हारे हिस्से का रह गया था, अदालत के फैसले का इंतजार मत करना, अब इसे कृपया रख लो। शुक्रिया सेठ जी। बस अब... चलो। सेठ जी अपने आदमियों से कहना वो आम का पेड़ ना काटे। बचपन में पिताजी और मैंने इसे साथ में बोया था। अच्छा सेठ जी, वो लोग तो मकान खाली करके चले गए। मुझे कहा कि ये मकान की चाबी मैं आप ही को सौंप दूं। लेकिन वो लोग गए कहां तात्या? उसने तो ये नौकरी छोड़ दी। क्यों? कह रही थी गांव चली जाऊंगी। कौन सा गांव? पता नहीं, आज तारीख 20 है ना। हाँ? आज ही उसकी ट्रेन है 5:30-6 बजे की। हाँ? यात्री कृपया ध्यान दें, मुंबई से कोल्हापुर जाने वाली
महालक्ष्मी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। कृपया इकडे लक्ष असू द्या। मुंबईहून कोल्हापूरला जाणारी महालक्ष्मी एक्सप्रेस आपल्या निर्धारित वेळेनुसार प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वरून रवाना होईल। तुमची यात्रा सुखमय हो। धन्यवाद। May I have your attention, please? Mahalakshmi Express from Mumbai to Kolhapur is leaving on its scheduled time. From platform number 4, have a nice journey. Thank you. Saraswati! Saraswati! Daya, tum? Aur ye chot kaise lagi? Kuch nahi. Saraswati? मुझे तो लगा तुम चली गई अपने गांव। अभी तो मैं ज्योति आई और छोटू को छोड़ने आई थी। मैं भी जाऊंगी कल परसों। ऑफिस आखिरी तनख्वाह आनी है, थोड़े इधर उधर का कर्जा चुकाना है। तुम्हें तुम्हारे घर की चाबी मिल गई ना? हाँ। तो आखिर तुमने मुझसे छुटकारा पा ही लिया ना? ऐसी बात नहीं है, वो मकान कभी ना कभी तो खाली करना ही था ना। नहीं नहीं सरस्वती, क्या इतनी जल्दी तुम उस घर से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो? क्या इतनी आसानी से उस घर को भूल सकती हो? तुम ही ने तो कहा था ना कि उस घर के कोने कोने में तुम्हारे पिताजी बसे हुए। तुम्ही ने तो कहा था ना? वो मेरा ख्याल था। नहीं नहीं सरस्वती, मुझसे कहीं ज्यादा तो तुम्हें उस घर से लगाव है। तुम उस घर को कभी मत छोड़ना, यही कहने में यहां आया था। प्लीज, ये मेरी प्रार्थना है तुमसे। नहीं नहीं, हमें भी तो तुम्हारी परेशानियां समझनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरी परेशानी तो सब खत्म हो गई। मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। घर की नीलामी के बाद कुछ पैसे बचे हैं, उसमें से कोई नई बिजनेस शुरू करूंगा। और फिर सरस्वती, ये सब तो चलता ही रहता है ना, लोग बिछड़ते हैं तो हालात की वजह से। सरस्वती, एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना? सरस्वती, हम दोनों को सर पे एक छत की जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे के हालात को अच्छी तरह समझते हैं। क्यों ना हम मिलकर एक फैसला करें? हम दोनों हमेशा झगड़ते रहे, ये तेरा घर ये मेरा घर, क्या ये हमारा घर नहीं हो सकता? मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हारी माँ, ज्योति, छोटू, क्यों ना हम
एक साथ रहे उसी घर में। सरस्वती अभी जिंदगी खत्म कहां हुई है, अभी तो शुरुआत है।